बेसिकली ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को दोस्तों क्या समझ में आया देखिए होता क्या है ये ज़िंदगी में आप लोगों ने खुद भी फ़ील किया होगा जब लंबे समय तक आप लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं चाहे लाइब्रेरी में कर रहे हैं चाहे घर पे कर रहे हैं या फिर अगर आप लोगों ने कभी यू में मेन्स फेस किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि तीन तीन घंटे तक लगातार बैठ कर लिखना पड़ता है तो टाइम उस टाइम में इंसान जो है ऐसा हो जाता है बिल्कुल ना कई बार एक तरीके से कमर भी अकड़ जाती है थोड़ा सा नहीं एक तरीके से कमर में दर्द होने लगता है हाथ दुखने लगता है तो उस चीज़ को कम करने के लिए यहाँ पर जब लंबे समय से मीटिंग चल रही थी डब्ल्यू एच ओ के अंदर में तो सब खड़े होकर डांस करने लगे और यहाँ चेयरमैन ने यह भी बोला कि हमारे ऊपर किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है किसी का कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम लोग ये नहीं कर सकते ये तो हम लोग कर ही सकते हैं अपनी बेसिकली बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव करने के लिए तो ये चीज़ आप लोग भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं देखना बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा जब भी आप लोग बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं कोशिश किया करो एक घंटे में या फिर डेढ़ घंटे में जब भी आप लोगों को लगे मतलब एक तरीके से थोड़ा सा अपने को नहीं उठा उठकर थोड़ा सा अपनी सीट से स्ट्रेचिंग कर लिया थोड़ा सा पानी पी लिया तो फिर से आप लोगों को पढ़ने का मन करने लगेगा अगर ये पैटर्न आप लोग फॉलो करना स्टार्ट करोगे इंप्लीमेंट करके देखो बहुत ज्यादा मजा आएगा और चीजें जो हैं वो सिस्टेमेटिक वे में चलती नजर आएगी और और ज्यादा लंबे समय तक बैठ फिर पढ़ भी पाओगे ओके तो जोश अगर हाई नहीं है अभी तो अब आप लोगों का जोश हाई होने वाला है और इतना हाई होगा कि आप लोग अपने आप को रोक नहीं पाओगे यहां पर हम लोग बात करेंगे विकास के बारे में और इनकी जर्नी जो आप लोगों को इतनी रोलर कोस्टर देखने को मिलेगी यानी कि हाई और लो में जाती हुई नजर आएगी आप लोग खुद यकीन नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी होता है यानी एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं जिसको ये लगता है कि जिंदगी में सारी दिक्कतें मेरे ही साथ होती हैं उसके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है आप लोगों के सामने इनका सिलेक्शन हुआ है किसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर में जो ई होता है उसमें नाइनटीन रैंक आप लोगों को इनकी देखने को मिलेगी उन्नीसवीं रैंक सुनकर अच्छा लग रहा है ना वाओ क्या रैंक आ गई पर लेकिन सबको लोगों के सर पर ताज पसंद है किसी को ये नहीं पता है कि वो ताज जो है कितने कांटों पर चलकर इंसान को मिला है तो ऐसी कुछ जर्नी इनके द्वारा बड़ी ही डिटेल में शेयर की गई है जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी मैंने लगा मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा तो आप लोग भी समझ पाएंगे कि कभी भी जिंदगी जो ख्वाबों में आप लोग देख लेते हो ना वैसे नहीं होती है हम लोग सोचते कुछ हैं टाइम टेबल बनाएंगे बैठ के ऐसा लगेगा आज ही सारा टाइम टेबल बना देते हैं शानदार तरीके से पर लेकिन जब उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं आप लोगों ने देखा होगा बनाया था दस घंटे का फॉलो किया कभी दो घंटे कभी तीन घंटे और कभी चार घंटे तो कभी पाँच घंटे पूरा वो फॉलो हो ही नहीं पाता है क्यों क्योंकि जब हम लोग बना रहे होते हैं ये टाइम टेबल वगैरह तो परफेक्ट रहता है पर लेकिन जब फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो घर पे कोई दिक्कत आ गई कोई मेहमान आ गए कोई दोस्त आ गया किसी का एक्सीडेंट कोई बीमार हो गया मतलब कुछ ना कुछ चलता रहेगा इसलिए कभी भी कोई भी चीज जो है वो परफेक्ट आप लोगों को दिखाई नहीं देगी वो बस बातों में होती है हमेशा मिड पाथ होता है जो कि बुद्धा वाला बात होता है 2017 से एस फैमिली के साथ में ये जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा बोला गया कि सर मैंने 10 से 12 लोगों को एस फैमिली मेंबर बनाया यानी कि एक तरीके से उनको भी इन्होंने शेयर किया ताकि वो एस के साथ में कनेक्ट हो सकें इनके द्वारा टारगेट रखा गया अपना कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक तरीके से स्टार्टिंग में ही अच्छे से अपना तैयारी करनी है और अच्छी रैंक लेकर आनी है तो इनके द्वारा कोचिंग जो इन की गई और फिर वहां से इनके द्वारा स्टडी की गई पर लेकिन पहली बार में जब इनके द्वारा एग्जाम दिया गया तो इनके द्वारा भी क्वालिफाई नहीं किया गया जो कि नॉर्मल है इंसानों के साथ में होता है फिर फिर आप लोग देखो फिर मेंस मेंस लिखा लिखा मतलब एक तरीके से हो गया मेंस लिखा तो फिर मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ और फिर इंटरव्यू में जाकर जो है डिसअपॉइंट हो गए इंटरव्यू में इनका नाम आए नहीं लिस्ट के अंदर में तो इस तरीके से इंसान जो होता है जब इस तरीके से तीन साल तक लगातार पहले प्रिलिम्स फिर मेन्स फिर इंटरव्यू अपने आप को मेंटेन रखना तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है इंसान के अंदर में चलो फिर देख लेते हैं कुछ और अल्टरनेटिव तो इन्होंने डीआरडीओ के लिए तैयारी करना स्टार्ट करी तो वहां पे भी इनका जो है थोड़ा सा बेसिकली एक तरीके से इंटरव्यू में अगेन फेल हो गए इसरो में दो मार्क्स से रह गए इसी के साथ में एनसीएल के अंदर में भी दो मार्क्स से इंटरव्यू में रह गए तो इस तरीके से फिर देखा तो इस तरीके से इनका रिजल्ट जो है वो नहीं आ रहा था तो सोचो यहाँ पर 2017 से बंदा जुड़ा हुआ है सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस छः साल समझ रहे हैं आप लोग पर लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो इनके द्वारा लिखी गई ना वो है इस लास्ट लाइन में ये काफी इम्प्रेसिव लगी मुझे जो इनके द्वारा अपनी जो जर्नी शेयर की गई है इनके द्वारा फिर एक पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन की गई वहां पे अपना ठीक है कुछ पैसा मिलना स्टार्ट हुआ उसके बाद में फिर एन में जो है इनको कॉल आया पर लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो है वो है आप लोगों को किसमें यह है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन यानी कि जो एक तरीके से आप लोग बोलते हैं आईईएस का एग्जाम या फिर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का आप लोग जिसे आई बोलते हैं तो ये हाइएस्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम है जिसमें आप लोगों को शानदार ग्रेजेड पोस्ट मिलती है ये पर्टिकुलर जो पोस्ट है वही इनके माइंड में घूम रही थी और रियलिटी में एग्जाम इतने सारे दिए पर मेन फोकस हमेशा जो इसको लेकर रहा तो आप लोग सोचते हैं कि एक तरीके से कई सारे लोग जो हैं एक तरीके से सोचते हैं ये भी कर लो वो भी कर लो पता नहीं क्या क्या कर लो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि रियलिटी में आप लोगों को करना क्या है अगर आप लोग को अपना कोई एग्जाम लेकर चलना है जैसे कि यूपीएससी लेकर चलना है तो उसके साथ में आप लोग अपना स्टेट पीसीएस लेकर चल सकते हैं ऐसा नहीं आप लोग यूपीएससी लेकर चल रहे हैं और उसके साथ में आप लोग क्या करें कि आप लोग एस बी आई या फिर आप लोग आर लेकर चल रहे हैं वो अलग लीक हो जाती है ठीक है तो आप लोग एक पैटर्न समझिए कि स्टेट पीसीएस का भी आज के में पेपर और यूपीएससी का एक तरीके सब अपना पैटर्न ऐसे ही करते जा रहे हैं तो उनको तैयार एक साथ में कर सकते हैं ऐसे नहीं कि कुछ भी तैयार करने बैठ गए तो आप लोग सोचो आप लोग स्ट्रेंथ क्या है वीकनेस क्या है और उस पर काम करना स्टार्ट करो ठीक है तो कैसी लगी ये जर्नी आप लोगों को पेशेंस का एक नमूना आप लोगों के सामने नजर आएगा कितने शानदार तरीके से इनके द्वारा अपना पेशेंस बनाकर रखा गया तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं तो आप लोग यहां पर देखोगे कि इस तरीके से इंसान जो है डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को भी अपने अंदर ऐसा डेडिकेशन लेकर आना पड़ेगा और जिंदगी में जिंदगी ऊपर नीचे जाती रहेगी ऐसा कभी नहीं होगा कि जिंदगी एक जैसी चल रही है एक जैसी चल रही है तो वो तो इंसान ना एक तरीके से बीमार हो चुका है आप लोगों को कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा उसी को मैनेज करने का नाम है जिंदगी आप लोगों ने डायलॉग नहीं सुना है सुल्तान मोहेगा कहता है रियलिटी में असली दंगल यहाँ नहीं है अंदर इसकी साइड में कह रहा है कि रिंग की साइड में असली दंगल तो बाहर है जब जिंदगी तुमको पटके और फिर से तुम उठ कर आओ उसको कहते हैं असली दंगल और वही बात उनके द्वारा वहाँ पर भी बोले गई थी कि एक तरीके से कि अब अपनी जंग अपने साथ में है ठीक है मतलब अपनी औकात बदलनी है अब तो औकात बदलने के लिए आप लोगों के अंदर औकात बनानी भी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी सॉरी तो उसको टैगल करके कैसे आगे बढ़ना है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा ठीक है तो कॉग्रेचुलेशन लिखना सब अच्छे से विकास के लिए और अपने लिए भी कि आगे आप लोग अच्छे से मोटिवेट होकर पढ़ाई कर सको तो ऐसी स्टोरी आप लोगों के लिए लाता रहूंगा जितने इतने सारे फैमिली मेंबर अलग अलग फील्ड में सेलेक्ट हो रहे हैं तो यहां से आप लोगों को यह भी लग सकता है कि हाँ हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं पर लेकिन यह देखना मिलेगा कि आप लोगों को रिविजन भी करना पड़ेगा ठीक है कि आप लोग बिना रिविजन के यहां पर नहीं पहुंच सकते जो मैंने पढ़ा दिया देखो सर स्टार्ट होने लगी है और गला जो है बताने लगा कि हाँ भैया सर्दी आ रही है अब सुधर जाओ थोड़ा ठीक है तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखो यार और सुबह को जो भी उठा करें गुनगुना पानी करके पीना बिल्कुल ठंडा नहीं पीना है जैसे कि मैं रेगुलरली गुनगुना पानी करके पीता हूँ ठीक है तो कोशिश किया करो तीन या चार गिलास जितना भी पी सको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फिर उसको इंक्रीज कर लेना और सोने उठने का टाइम फिक्स कर लो कौन कौन सही टाइम पर उठाए और अपना प्लान जरूर बना लिया करो आज का क्या प्लान है आप लोगों का बना लिया अपना आज का आज का शेड्यूल शेड्यूल कि ये फॉलो कर रहे हैं और कल का शेड्यूल कितने प्रतिशत फॉलो किया है वो जरूर लिखेगा तभी आप लोग एक प्रॉपर अपने आप को एक शेड्यूल या फिर एक 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 प्लान में एक अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आ पाएंगे वरना जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी फिर कुछ नहीं होने वाला है ठीक है और हताश निराश नहीं होना है जिंदगी का नाम ही ऐसा है यार ऊपर नीचे होती रहेगी आप लोगों को देखना है बैलेंस कैसे करना है इसको ओके आई होप कि आप लोग के माइंड में इस चीज को लेकर क्लैरिटी आई होगी और अब तो त्यौहार वगैरह सारे लगभग खत्म हो गए तो अच्छे से अब बैक टू तो द पवेलियन आ जाओ और अपना अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करो ठीक है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनके बारे में आप लोगों को बताना है और जो पर्टिकुलर वीडियो मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई इनसे भी रिलेटेड थी वो ठीक है तो आप लोग समझ सकते हैं तो देखता हूँ कौन कौन पहचान पाते हैं तो पहचानो कौन वाली बात हो रखी है ओके ये जो पर्टिकुलर आप लोगों के सामने कोटेशन है आप लोग इसको यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में एस राइटिंग में या फिर एथिक्स के अंदर कोई भी आप लोगों से कुछ लिखने के लिए आता है पर लेकिन जो बात बोली गई वो बड़ी गहरी बोली गई है मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ एक पर्टिकुलर यहाँ पर जो नहीं एक जो रे जो यहाँ पर ये जो रेगिस्तान में जो खासकर कंट्रियाँ हैं खासकर जो एक तरीके से तेल उगाने वाले तेल मतलब निकालने वाली कंपनी कंट्री है यहाँ पर ये ठीक है जैसे ईरान हो गया सऊदी अरेबिया हो गया तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर शेख से पूछा गया कि आपके घर वाले जो हैं एक तरीके से ना ऐसे बेटे हो बच्चे हो गए गए बच्चे खूब मजे लेते हैं जिंदगी के तो यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि मैं जो है गाड़ी में चलता हूँ बच्चा है आने वाला वो और हाई गाड़ी में मर्सिडीज में चलेगा उसका बच्चा जो है वो हेलीकॉप्टर में चलेगा पर एक दिन फिर बैक टू द ये दूट पर ही आने वाले हैं ठीक है यानी कि फिर से ये एक तरीके से वो जिंदगी घुमा देती है इंसान को फिर से वहीं पर आएगा जहां से चला था एक तरीके से अगर एक अयासी वाली जिंदगी जीना स्टार्ट करेगा इंसान सेविंग पर और ढंग से अपनी हेल्थ पर एक तरीके से फोकस नहीं करेगा तो ये बात यहाँ पर इनके द्वारा बोली बोलेगी कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर थर्ड कैसे लड़ी जाएगी क्योंकि दो वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं अब तक विश्व युद्ध दो हो चुके हैं अगर तीसरा लड़ा जाएगा तो कैसे लड़ा जाएगा क्योंकि इतने खतरनाक वेपन है आज के डेट में अगर वो हो जाती है तो धरती पे से लोगों का और चीज़ों का और इन्वॉर्मेंट का सबका नामो निशान मिल जाएगा ये बोल रहे हैं कि पर मुझे पता है अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है वो तो वो जो भी होगा उसका तो मुझे नहीं पता है, पर ये पता है कि वर्ल्ड वॉर जो जो है वो जो है वो लाठी और पत्थरों से लड़ी जाएगी यानी कि जिंदगी जो है फिर से स्टोन एज में पहुंच जाएगी अगर वर्ल्ड वॉर थ्री यहां पर होगी यानी कि इतनी खतरनाक होगी अब बार वर्ल्ड वॉर थ्री और ये बात बोली गई थी आइनस्टीन के द्वारा तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं ऐसी टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में रह रहे हैं आप लोग आज के डेट में अगर लड़ाई हो जाए ना तो मतलब आप लोग चीज़ों को इस तरीके से रोक ही नहीं पाओगे इतने खतरनाक त्रासदी होगी इस धरती के ऊपर कि मानवता खत्म हो जाएगी ऐसे ऐसे भयानक आज के डेट में सब हथियार लिए बैठे हैं तो इसलिए हमेशा ये जो बॉडी बनाई गई है जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया यू हो गया आई हो गया ये डब्ल्यू हो गया इनका पर्पज ये है कि चीज़ों को शांति में रखा जा सके पर लेकिन फिलहाल पे टाइम पर अगर आप लोग देखोगे ये बॉडी जो है अपना अस्तित्व खोती हुई नजर आ रही है ये ढंग से काम करती नजर आ ही नहीं रही है और अभी आप लोगों ने देखा कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन साहब उसने साफ साफ बोल दिया कि अगर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है तो जो भी होगा वो तो एक अलग बात है पर लेकिन अपने लेवल पर आप लोग कम से कम इतना रखो कि अपनी जिंदगी को आप लोग इंप्रूव करो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो क्योंकि जैसी चीजें चल रही हैं उससे जिंदगी आगे खराब होगी अगर सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर नहीं चलोगे ठीक है तो ये जरूरी है और बाकी जिसने भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अच्छे से सेलिब्रेट करना क्योंकि यहाँ पर देखो ये बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के जो यहाँ पर अलीपुर जुलजिकल गार्डन के अंदर में तो चिंपेनजी है यहाँ पर जिनका नाम है यहाँ पर बाबू ठीक है जैसे नहीं बाबू सोना बोलते हो <laughs> तो उसी तरीके से यहाँ पर ये यह बाबू है और बाबू का जन्मदिन जो है वो शानदार तरीके से यहाँ पर एक तरीके से सेलिब्रेट किया गया तो चौंतीस साल के हो चुके हैं तो अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को तो देखो यार जिंदगी को थोड़ा सा हंसी खुशी में रखा करो जो पढ़ाई करनी है उसके लिए पढ़ाई भी करो और जिंदगी में थोड़ा सा सही तरीके से अपना काम भी करो क्योंकि जब तक आप लोग मान लीजिए जो नहीं जो काम आप लोगों को करना है पढ़ाई करनी है बिजनेस करना है खेती करनी है जो भी करना है या घर पे जो जिस तरीके से काम करना है तो अगर आप लोग उसको दिल लगा के करोगे जो भी काम आप लोग है तभी आप लोग के अंदर मोटिवेशन आएगा अपने काम में मोटिवेशन ढूंढने की कोशिश करो आप लोग जिंदगी में चीजों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे मैं इस बात की गारंटी देता हूं ठीक है बाकी फीडबैक जरूर देना लेक्चर जैसा भी लगे लाइक या डिसलाइक कर कर आप लोग बता सकते हैं एक सेकंड लगेगी इससे आप लोग का एक तरीके से प्यार आप लोग दिखा सकते हैं और सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है वहां से जाकर आप लोग चीजों को डाउनलोड कर लेना आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोग आंसर राइटिंग करना शानदार तरीके से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रेगुलर पार्टिसिपेट कर रहे हैं दो तीन चार कई सारे क्वेश्चन रहते हैं आप लोग जितने भी लिख सकें एटलीस्ट एक तो लिखना है बाकी आप लोग डिसाइड कर लेना आप लोग कितने लिखने हैं ठीक है तो ये आप लोग देखेगा अच्छे से जहां पर भी कोई भी डाउट हो तो एक दूसरे का क्वेश्चन आंसर देख लिया करो समझ में आ जाएगा यहां पर नोट्स आप लोगों को मिल जाते हैं तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना और भी बहुत सारी चीजें हैं एस एल पीडिया के नाम से यहां पर अच्छे से आप लोग चीजों को एंजॉय करिए ठीक है तो कोई भी डाउट हो तो उसको दूर करके आगे बढ़ना है ओके आगे बढ़ते हैं पहले दो छोटे छोटे आर्टिकल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहां से बन सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए भी आप लोगों से वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बाद है फिर बड़े आर्टिकल और फिर वीडियो का जो हमारा पैटर्न रहता है जैसे कि हम लोग फिर न्यूज एनालिसिस के अंदर डिस्कस करेंगे यहाँ पर एनलिस न्यूज रहेंगे वन लाइनर रहेंगे वहां पर छोटे छोटे एमसीक्यू रहेंगे आप लोगों के लिए वो कैबलरी रहेगी उसके तरीके से सारी चीजें आप लोगों को फिर देखने को मिलेगी तो अच्छे से इन्जॉय करना है लेक्चर को और एक तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देना है टक तक टकी लगाकर आप लोग देखोगे एस कमांडो जो है आई ऑफिसर इनके द्वारा शानदार तरीके से आंसर देंगे तो इसी तरीके से आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है ताकि अच्छे से मैं बेस्ट क्वेश्चन भी होगा आप लोगों का और सारी बातें एक एक करके कर डिस्कस करेंगे तो पहले दो छोटे आर्टिकल डिस्कस करता हूं फिर डिटेल में कई सारी बातें देखेंगे ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और यहां से अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन भी बन जाया करते हैं यहां पर बात की जा रही है हेड ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस यानी कि आप लोगों को पता है हमारे देश से अलग अलग कंट्री में आप लोगों को यहां पर एम्बेसी देखने को मिलती हैं जहां पर हमारे एम्बेसिडर भी आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे और हाई कमिश्नर भी नजर आएंगे तो यहां पर ये जो मीटिंग हुई है ये गुजरात के जो केवड़िया के अंदर में ये मीटिंग देखने को मिली एकता नगर जिसमें ये दसवें नंबर की कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने है तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा आज की डेट में आप लोगों को पता है यूक्रेन के अंदर में क्या चल रहा है रशिया के अंदर क्या चल रहा है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान इधर म्यांमार के अंदर में श्रीलंका के अंदर आप लोगों ने देखा भी पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है तो दुनिया में जगह जगह अलग अलग तरीके के पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो उन सब चीजों को सुधारने के लिए अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो अपनी कंट्री के साइड से हमारे देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर जो हमारे देश से जाते हैं वो उस देश के साथ में कैसे रिलेशन हमारे रहने वाले हैं तो वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस यहां पर डिपेंड करेगी उनके साथ में हमारे रिलेशन कैसे रहने वाले हैं तो इसलिए यहां पर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहना जरूरी है तो इसलिए हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा यहां पर दसवीं ये मीटिंग यहां पर बुलाई गई केवड़िया गुजरात के अंदर में तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है स्टेटमेंट दे तो सौ से भी ज्यादा यहां पर अलग अलग कंट्री से यहां पर बेसिकली एम्बेसडर और जो हाई कमिश्नर थे वो आ रखे थे ऑल ओवर वर्ल्ड से और उनको बेसिकली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आज की डेट में आप लोगों को अलग अलग तरीके के इश्यू देश के अंदर देखने को मिलेंगे कंटेम्प्रेरी टाइप पे अगर देखोगे आप लोग यहां पर जियो पोलिटिकल इशू है एक देश में कुछ चल रहा है दूसरे में कुछ चल रहा है इकोनॉमी को लेकर ले अलग ही लेवल है इन्वॉयरमेंट को लेकर अलग बातें चल रही हैं तो अगर ये सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे तो ही आप लोग सिस्टमेटिक वे में उस देश के साथ में अपने रिलेशन कैसे रखने वो आप लोग अच्छे से लेकर चल पाओगे आप लोगों ने देखा ना अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया वो कैसे पॉसिबल था ये सारी चीजें हवा में पॉसिबल नहीं होती है उन्होंने सिस्टमेटिक वे में एजुकेशन के ऊपर काम किया एजुकेशन को समझा हमारे यहां पर जो रिलीजन वाली चीजें हैं उनको समझा खुदाई कराई गई बात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया पहले चेयरमैन बताइए कौन थे उनके तो इस तरीके से मतलब डायरेक्टर जनरल तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं उन्होंने हमारी नींव खोदी आकर उसके बाद में लगा कि अच्छा ये ऐसे लोग हैं इनको इस तरीके से टैकल किया जा सकता है सबसे पहले इनका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर दो तो ये एक ऐसा सिस्टम लिए बैठे हैं जो इनको कभी बर्बाद नहीं होने देगा सिस्टम को बर्बाद करो उसके बाद में अपने आप बर्बाद होने स्टार्ट हो जाएंगे तो उन्होंने सबसे अच्छा जो वार किया एक दिमाग वाले इंसान की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना स्टार्ट किया तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो उन्होंने सिस्टमेटिक वे में काम किया है, एक तरीके से बर्बाद करने का दिमाग लगा लगा के बकायदा कमीशन कमिटीज बना बना के ठीक है तो ये सारे जो मैकाल ये सब पढ़ते हो ना आप लोग ये सब कमिटीज कमिटीजी के अंदर में ये बाकायदा इंडिया को कंट्रोल करने की प्लानिंग की गई थी टिक वे में 200 साल तक रूल करना किसी के ऊपर हवाबाजी की बात नहीं है कि कोई ऐसे ही जाकर रूल कर लेगा तो यहां पर हमारी कंट्री के जो बेसिकली लीडर हैं हैं वो भी भी ये बोल रहे उनको कि आप लोग भी समझो कि किस तरीके से, एक तरीके से से एक पर्टिकुलर कंट्री में अगर आप लोग हैं किससे उसके उनके साथ में फेमिलराइज कराना है अपनी कंट्री की भी रूट आप लोगों को पता होना चाहिए जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं इससे फायदा भी होगा ठीक है ऐसे ही जैसे आप लोग देखते हैं ना हमारे देश में एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये फ्लैगशिप मिशन है हमारे अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट है तो उसके बारे में अगर दूसरी कंट्री में बताया जाए कि हाँ हमारे उस डिस्ट्रिक्ट का वो प्रोडक्ट फेमस है और वहां से कैसे व्यापार करके कर उस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है तो उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रखे तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो कोई कंट्री अगर आकर वहां पर इन्वेस्टमेंट करे तो वहां पर काम बन सकता है तो ये सारी चीजें यहां पर इनको बताई जा रही है अब समझ में आ रहा है कि यूपीएससी में आप लोगों को ये सिलेबस क्यों पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में जब रहेंगी तो आप लोग अच्छे से इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाओगे जब किसी भी देश के साथ में या किसी भी सिचुएशन के साथ में आप लोग आते हैं इसीलिए आई को या आई को स्पेशलिस्ट नहीं बनाया जाता है उनको जर्नलिस्ट बनाया जाता है एक तरीके का ताकि थोड़ा थोड़ा उनको सारी चीज़ों के बारे में बता रहे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अप्रोच समझनी पड़ेगी एग्जाम की क्या है कि क्यों वो तुमको लेना चाह रहे हैं वहां पर उसके पीछे रीज़न क्या है जब वो आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगा फिर उस पैटर्न में आप लोग तैयारी करना स्टार्ट करोगे और वो कैसे समझ में आएगा वो समझ में आएगा सिलेबस के बेस पर वो समझ में आएगा पुराने ओल्ड जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स और मेंस के उनके बेस पर और जो भी आप लोग यहां पर इंटरव्यूज वगैरह सुनते हो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसके बेस पर ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग वाले सोर्स यहां से आप लोगों को एक अंदाजा लगेगा कि यूपीएससी आप लोगों से चाहते क्या है आखिर क्यों उसने कहीं साइंस एंड टेक दे रखा है क्यों उसने कहीं इकोनॉमिक दे रखी है क्यों कहीं पॉलिटी दे रखी है आखिर चाहते क्या हो भाई साहब ये तो बता दो तो वो चाहते हैं कि आप लोग हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की समस्या आप लोगों के सामने है उसको डील करने की कैपेबिलिटी आप लोगों के अंदर होनी चाहिए इसलिए इतना सिलेबस और इसलिए इतना सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आती है प्रिलियम्स मेन्स और इंटरव्यू हर एक लेवल पर आप लोगों को चेक किया जाता है प्रिलिम्स के अंदर ही आप लोगों का पेशेंस चेक होना स्टार्ट हो जाता है कि आप लोग कितनी एकाग्रता के साथ में चीज़ें हैंडल कर पाते हैं स्टार्टिंग के जो है बीस पच्चीस क्वेश्चन ऐसे रहेंगे हर एक इंसान कर लेगा और उनको करने के बाद में ऐसा लगेगा वाह

कॉमनवेल्थ देश के बारे में पता है वो देश जो कि अंग्रेजों के द्वारा रूल किए गए हैं जिसमें से हमारा देश भी आता है और इनको कॉमनवेल्थ बेसिकली कंट्री बोलते हैं और इनके अंदर हाई कमिश्नर भेजे जाते हैं पर लेकिन जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है बाकी सारी वहां पर एम्बेसी रहती है और उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं उसको कॉमनवेल्थ है, तो है, कंट्रीज के लिए और उसको बोलते हैं एमबेसी जहां पर आप लोग एम्बेसिडर जाते हैं ठीक तो है तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसमें कई बार आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है तो माइंड में क्लियर करके आगे बढ़ने हैं। तो बड़ी छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज थी हल्का सा आइडिया रहेगा तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे जिस इन्वॉर्मेंट में आप लोग रहते हो यानी कि वातावरण में आप लोग रहते हो अगर वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो दुनिया में हाहाकार हो जाता है कि यार कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है सीओ टू निकल रही है कैसे कंट्रोल करना है अगर नहीं कंट्रोल होगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा पर इन रियलिटी आप लोगों को पता है अगर वहां पर सी एच फोर यानी कि मेथिन निकलने लगे उसी लेवल पर जिस लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो ये धरती जलकर राख बन जाएगी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 80 गुना पावरफुल ये आप लोगों को गैस देखने को मिलेगी जितनी ये वाली बेसिकली एक तरीके से खतरनाक है उसकी अस्सी गुना खतरनाक देखने को मिलेगी अच्छी बात यह है कि इन्वायरमेंट में काफ़ी कम पाई जाती है और काफ़ी कम समय तक इन्वायरमेंट के अंदर टिकती है तो इसलिए यहां पर ये सी एच फोर जो है वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही है पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर इसकी जो एक तरीके से इंटेंसिटी है वो यहां पर बढ़ती जा रही है आप लोग बोलोगे यहां पर गाय का बेसिकली पिक्चर क्यों लगा रखा है सी एच फोर के नाम पर गाय का पिक्चर इसलिए लगा रखा है क्योंकि जो हमारे जानवर होते हैं वो घास खाते हैं घास खाने के बाद में जो गोबर करते हैं उसमें से आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग गांव से आते हैं तो आप लोग अगर गांव से आते हैं घर पर आप लोग के गाय भैंस बैली वगैरह हैं आप लोगों ने अगर कभी गोबर हटाया हाथों से तो आप लोगों ने फील किया होगा कि उसके अंदर हल्का हल्का सा गरम गरम सा एक तरीके से नहीं गोबर गरम गरम रहता है जब भी गरम जब भी गोबर निकलता है एक तरीके से अगर आप लोग गांव से आते हैं तो ये खाद के तौर पर यूज कहता है काफी शानदार तरीके से ठीक है तो यहां पर उसको जब भी हटाया जाता है जैसे गाय भैंस ने गोबर कर दिया कहते ना घर पर जाकर उसको हटा देना यूनिट ठीक है तो आप लोग देखा होगा उसके अंदर भाप से निकलती रहती है तो उसके अंदर में सी होती है मेथेन और अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा जानवर होंगे तो इसका मतलब वहां पर ये निकलती है सी फोर यूरोप के एक देश ने बहुत सारी अपने देश के अंदर के जो जीज जो जानवर हैं उनको भी मारा गया और उनको बेसिकली मारकर खत्म इसलिए किया गया क्योंकि उसकी सी फोर की जो मैथेन की जो वहां पर मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये तो हो गई अलग बातें अब यहां पर बात करूंगा ग्लोबल मेथेन प्लेज के बारे में प्लेज मतलब एक प्रतिज्ञा तो मेथेन को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली गई यहां पर और इसको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी ज्वाइन कर लिया गया है अभी यानी कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि भाई साहब हम भी इसके ऊपर काम करने स्टार्ट करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी काफी सारे जीव जंतु आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम भी इस इसके ऊपर काम करेंगे और ये जो स्टार्ट किया गया था ये मीटिंग हुई थी यूके के अंदर में आप लोगों को याद है ग्लासगो वहां पर एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी जिसको हम लोगों ने छब्बीसवीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सी बोला था उसके अंदर में यहां पर जो यूएसए और इसी के साथ में यूरोपियन जो यूनियन है उनके द्वारा मिलकर ये मेथेन को कम करने वाली बात की गई थी और इसकी एक प्रतिज्ञा के बारे में बात की गई थी इसमें लगभग सौ से भी ज्यादा कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और वो आज के डेट में इसका पार्ट है और एक साथ में मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं लगभग 45 प्रतिशत जो ग्लोबल मेथेन है यहां पर एक जो ग्लोबल लेवल पर ह्यूमन कोस है मेथेन का यानी कि जो भी मेथेन निकलता है उसमें से 45 प्रतिशत तो इंसानों की वजह से निकलता है 55 प्रतिशत इन्वॉर्मेंट में और भी रीजन है जैसे कि एक आ गया ठीक है ज्वालामुखी फटा ये सारी चीजें जो है ये भी काफी बड़ा रीजन है मेनली तो आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा जब दे तेज ज्वालामुखी फटता है क्रैक्स आते हैं तो उसमें से यहां पर काफी लार्ज स्केल पर चीजें निकलती हैं तो और भी कुछ चीजें हैं कई सारी पर लेकिन फोर्टी इंसानों की वजह से निकलता है जो इंसान रेस्पॉन्सिबल है आज के डेट में हम लोग जिस तरीके से अपना रहना सहना हमारी जिंदगी जी रहे हैं तो इसलिए यहां पर इन मेंबर को लगा अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो ये हमको बर्बाद करेगा तो उनके द्वारा कलेक्टिवली मिलकर बोला गया कि हम लोग एटलीस्ट थर्टी परसेंट बिलो इसको लेकर आएंगे 2020 के लेवल पर 2030 तक 10 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 30% परसेंट के लेवल पर लेकर आना है जो 2020 का था उसके 30% परसेंट के लेवल पर तो यहां पर टारगेट रखा गया तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर काम किया गया तो क्या हम लोग भी इसका पार्ट हैं आप लोग क्या लगता है हम लोग इसका पार्ट होंगे या फिर नहीं हां या फिर ना नॉर्मल सी बात है हम लोग इसका पार्ट नहीं है रीजन क्या है एक तो हमारी कंट्री जो है वो ढंग से आगे ही नहीं पा रही है ऊपर से हम लोग ऐसे उल्टे सीधे चीजों में अगर उड़ गए तो हमारा फार्म सेक्टर जो है जो किसानों के साथ में कनेक्ट है जिसकी इनकम हम लोग दो तक डबल करने की बात कर रहे हैं वो सारी बातें तो धरी की धरी रह जाएंगी कैसे हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे तो इसलिए हम इसका पार्ट नहीं है हमारे गांव की जो इकोनॉमी है वो कहीं टिक नहीं पाएगी अगर ये सारी चीजें हम लोग लेकर चलने लगेंगे तो इसलिए हम लोग इसको काफी पीछे छोड़ जाते हैं हम लोग इससे आगे निकल गए हम लोग पहले अपने डेवलपमेंट पर फोकस करें आज भी गाँव में इतनी सारी समस्याएं प्रॉपर बिजली इंटरनेट की फैसिलिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है अगर हम लोग ऐसी हरकतें भी करने लगे इसका पार्ट बन गए तो हमारा तो फिर गाँव में बेसिकली एक तरीके से ठप पड़ जाएंगे वैसे ही एक तरीके से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं तो ये सिचुएशन है जिसके ऊपर काम करने की यहाँ पर बात की जा रही है तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसके बारे में याद रखिएगा इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड और अभी आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 अभी होने वाली है जल्दी ठीक है वो कहां पर होने वाली है ये आप लोगों को बताना है सारी बातें एक एक लिखी हुई है कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर कंफ्यूजन होगा तो दूर करना पीपीटी जब डाउनलोड करोगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को मिल जाएंगे तो जिनको हिंदी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी वो टेंशन मत लेना उसमें आप लोगों को हिंदी भी मिलेगी ठीक है और कुछ आर्टिकल्स अगर नहीं मिल रही है तो आने वाले टाइम में सारे आर्टिकल्स में मिलेगी अभी कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं जल्दी सब आर्टिकल्स में आप लोगों को दीजिए देखने को मिलेगी ठीक है तो उसको अच्छे से आप लोग इंजॉय कर सकते हो ओके ये कैसा आर्टिकल है जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा और एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर ये आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं मैंने कहा जरूर करेंगे यार टेंशन मत लो आर्टिकल कवर किया जाएगा बेसिकली ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया कि हमारी जो रूपी की जो नोट है बेसिकली जो हमारी करेंसी है एक साइड में गांधी जी है और एक साइड में यहाँ पर देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए जैसे गणेश जी हो गए ठीक है तो एक तरीके से और दुर्गा जी हो गई इनकी जो फोटो यहाँ पर होनी चाहिए ठीक है तो ये इनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई यहाँ पर लक्ष्मी जी की बेसिकली ठीक है और यहाँ पर गणेश जी की तो ये जो बातें इनके द्वारा बोली गई तो ये काफी ज्यादा तूल पकड़े यहाँ पर और सेंट्रल गवर्नमेंट से इनके द्वारा गुहार लगाएगी कि ऐसा कुछ आप लोग करें तो आप लोगों को ये आर्टिकल कैसे कवर करना चाहिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा ऐसा कुछ बोला गया है, और यहाँ पर बस इसको कवर कर लेना चाहिए क्या ये आर्टिकल आप लोग को ऐसे कवर करना चाहिए या फिर क्या पैटर्न इस आर्टिकल को कवर करने का होना चाहिए और यूपीएससी यहाँ पर क्या कोई इंटरेस्ट लेते हैं यहाँ पर इस तरीके के टॉपिक्स में तो आप लोगों को यहाँ पर उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे इवन यहां पर आंसर राइटिंग के भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया दो हजार सत्रह में पर लेकिन ये हिस्ट्री के साथ में कनेक्ट करके पूछ लिया ठीक है गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट के बारे में यानी कि मुद्र, जो मुद्रा संग्रहण है उसके आर्ट के बारे में यहां पर क्वेश्चन बना बोला गया कि हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट इज नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन द लेटर टाइम यानी कि उसको नोटिस भी नहीं किया गया तो गुप्ता पीरियड के बारे में यहां पर बात की जा रही है तो स्वर्ण काल का पीरियड भी गुप्ता पीरियड को कई बार बोला जाता है हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा हमारे देश में अगर करेंसी आप लोग देखोगे तो पुराने टाइम से लेके कुछ कुछ ऐसी करेंसी पहले यहां पर अगर देखोगे यहां पर तो एम्बल्ब आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर आप लोगों को गांधी जी का कुछ ऐसे आप लोगों को पांच के नोट पर फिर ऐसे बीस रुपए के दस रुपए के नोट पर कुछ कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है अलग अलग तरीके के ऐसे इस तरीके से करेंसी आप लोगों ने टाइम टू टाइम देखने को मिली है करेंसी जो रहती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है ठीक है अभी आप लोगों ने देखा डिमोनेटाइजेशन किया गया तो वहां पर एक अलग ही पैटर्न आया और फिर नई करेंसी आप लोगों के सामने निकल कर आई इसी पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर सिक्के देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के सिक्के निकाले जाते हैं कईयों लोगों ने तो ये वाले सिक्के लेने से मना कर दिया था पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने देखा होगा तो कई सारे लोग कलाकार रहते हैं कई सारे लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं सिक्कों के साथ में नकली सिक्के बना लेते हैं पाकिस्तान हमारा बड़ा फेवरेट है इस देश में इस साइड में यानी कि वो क्या करते हैं नकली सिक्के निकाल कर मार्केट में निकाल देते हैं ताकि इंडिया की जो करेंसी है उसकी जो इमेज खराब हो जाए और लोग जो है उसके ऊपर डाउट करने लगे तो पड़ोसी देश इसमें काफ़ी माहिर है और हमारी करेंसी काउंटर फिट करेंसी यानी कि नकली नोट चलाने में उससे बड़ा एक, तरी, एक तरीके से एक तरीके से बादशाह आदमी कोई नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें देखने को मिलेंगी तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है तो ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आर्टिकल हो सकता है आप लोगों का अगर बात करें आखिर इनके द्वारा ये बातें क्यों की गई सबसे पहले हम लोग यहां पर ये यह समझेंगे कि क्या यहां पर जो पैसे की बात आती है तो कौन रोल प्ले करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई तो पहले उसके बारे में जानेंगे तो डिजाइन और जो यहां पर जो पर्टिकुलर करेंसी को जो इशू करने की बात आती है नोट के सिक्के को डिजाइन और जो जारी करने की बात आती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री में जिसको आप लोग आरबीआई बोलते हो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है और उसका एक कानून है 1934 का एक्ट और उसमें कई सारे सेक्शन जैसे आप लोग लेकर तो तो ले चल सकते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड होता है वो यहां पर रिकमेंड करता है और इश्यू आरबीआई के द्वारा की जाती है इसी के साथ में कैसा डिजाइन होना चाहिए और वो सब चीजें नोट्स वगैरह के बारे में यहाँ पर आरबीआई उसको बेसिकली इशू करता है पर अप्रूव वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लिया जाता है आरबीआई के जो बोर्ड के द्वारा यानी कि मिलकर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई जो है वो यहां पर काम करते हैं पर लेकिन फाइनल अप्रूवल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो यहां पर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर डिजाइन में चेंज होना है खासकर क्वेंस के बारे में बात करेंगे तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर तो पूरा रोल जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रोल प्ले करती नजर आती है ठीक है तो यानी कि एक तरीके से रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन मिंटिंग ऑफ कॉइन्स तो इसके लिए कॉइनेस एक्ट है 2011 का सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी जाती है डिजाइन और मिंट करने के लिए देखा होगा आप लोगों ने सिक्के जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिंट किए जाते हैं आरबीआई बोला गया आरबीआई इज लिमिटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वाइंस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि कितनी यहां पर क्वांटिटी की होनी चाहिए और इसके लिए चार मिंटिंग ऑफिस भी है हमारे देश के अंदर में यानी कि एक फैक्ट्री बोल सकते हैं मुंबई हैदराबाद कोलकाता और नोएडा के अंदर में जहां पर सिक्के वगैरह जो है ये बनाए जाते हैं तो जो सिक्के आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं ठीक है कोइनेस के लिए यहां पर एक्ट है हमारे देश के अंदर में कि ये जरूर याद रखिएगा यहां पर कोई भी इंसान जो है कोईनेस नहीं बना सकता अगर आप लोगों को लग रहा है कि घर पे बैठकर कर एक एक, एक सिक्के बना लो तो सात साल की सजा हो सकती है आप लोगों को अगर कोई ऐसी हरकतें करता हुआ पाएगा कहां पर ये, ये सेक्शन ट्वेल्व है बेसिकली सेक्शन ट्वेल्व जो है यहाँ पर कोईनेज एक्ट का दो का ये बोलता है कि अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हैं सिक्के के साथ में छेड़खानी कई सारे लोग ना एक अलग ही तरीके कलाकार होते हैं पुराने टाइम पे सोने के सिक्के हुआ करते थे अब भाई साहब आज के डेट में सोने के सिक्के हो तो इंसान उसको किसी को दे ना मारे सोने का सिक्का है बना हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है पांच रुपए का सिक्का और वैसे अगर देखोगे सोना का सिक्का है तो भाई साहब वो खुद सिक्का ही जो होगा वो होगा मतलब एक दो लाख रुपए का अगर उसका पिंगला के उसको वैसे यूज करेंगे तो ऐसी हरकतें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई इसीलिए उसको पढ़ा लिखा बेवकूफ़ बोला गया था हिस्ट्री में यानी कि उसकी वैल्यू जो फेस वैल्यू है उससे ज्यादा उसकी मेटल की वैल्यू हो जाए तो लोग उसको पिघला पिंग पिंगला के फिर उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं अलग तरीके से तो उसको अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है तो यहां पर वो गिल्टी पाया जाता है तो सात साल की सजा यहां पर देखने को मिलेगी अगर कोई खुद बनाता है और कोई

कुछ इस तरीके से मनी जो है वो प्रिंट होती है बड़े ही सख्त तरीके से यहां पर ऐसा नहीं कोई भी यहां पर जाकर इसको प्रिंट कर सकते हैं सिस्टेमेटिक वे में अगर ऐसा होगा मार्केट में सोचो दुनिया भर के पैसे छाप लिया आप लोगों ने अब सबके घर में मशीन रखी हुई है पैसे छाप छाप कर उसकी कुछ वैल्यू होगी तो उसको कोई पूछेगा नहीं मार्केट में तो लिमिटेड चीजें रहना जरूरी है अगर ढंग से चीजों को लेकर चलना चाहते हैं आरबीआई के द्वारा कंसल्टेशन कहता है रिजर्व जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में तब जाकर यहां पर सिचुएशन टैगल होती है इंडियन करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस नासिक और देवास ठीक है ओन की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और दो अदर करेंसी नोट प्रिंटिंग जो कि मैसूर और इसी के साथ में सालबोनी ये यहां पर किसके द्वारा आरबीआई के द्वारा तो यहां पर करेंसी जो है वो आप लोग को ये प्रिंट होती नजर आएगी जो आप लोगों को यहां पर करेंसी दिखाई गई है एक सिस्टमेटिक वे में चीजों को कंट्रोल किया जाता है इसीलिए यहां पर याद रखेगा हवा हवा में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है और अगर करेंसी अगर आज के डेट में आप लोग देखोगे ना ऐसा नहीं कि ऐसी करेंसी ऐसे ही बन गई है पुराने टाइम से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा अलग अलग करेंसी हुआ करती थी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है पंचमार्क पंच पंचमार्क पंच मतलब एक तरीके से एक नहीं एक जो, जो वो मोहर का ठप्पा लगा देना कुछ ऐसा उस पर कहीं आप लोगों को जानवर देखने को मिलते थे कहीं सूरज का निशान है कहीं पेड़ कहीं हिल ये सारे मोटिव देखने देखने को को मिलते हैं तो ये करेंसी आप लोगों को को हाँ लोग को को अलग अलग जो यहां पर फोर कैटेगरी में हाँ पर इनको जाता था, है? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं करेंसी, जैसे हाँ पर अगर बात करेंगे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है, है टाइप की हो गया दूसरा हो गया यहां पर कोशाल ठीक है नेक्स्ट आप लोगों को अवंती और नेक्स्ट आप लोगों को मगध तो अलग अलग तरीके के सिल्वर जो है वो भी यहां पर आप लोगों को कई बार देखने को मिलते हैं उनकी वैल्यू के बेस पर तो यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके के कॉइन यहां पर आए आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे ना एक अलग ही पैटर्न में जैसे हमारी करेंसी है आज की डेट में बिल्कुल अलग पैटर्न में आज के डेट में तो कार्ड भी आप लोग यूज कर सकते हैं कई तरीके सिंबल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते थे जैसे सेवन सिंबल फाइव सिंबल ऐसे यहाँ पर जिससे कि जो सबके जैसे मान मानिक कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई राजा है वो अपनी करेंसी छापेगा दूसरा राजा कोई अपनी करेंसी छापेगा तो इसलिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके की करेंसी यहाँ पर छापी गई कई तरीके के कॉइन्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले ठीक है जैसे यहां पर डेनेस्टी यानी कि वंश के बेस पर भी कई सारे सिक्के निकल कर आए जैसे कि यहां पर अगर बात करें तो ये जो कॉइन है कुसान एम्पायर के कोइन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये आप लोगों के सामने कुसान एम्पायर का जो यहां पर यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिक्के यहाँ पर छापे गए इसको माना जाता है कि गुप्ता के कोई से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था ऐसे सिक्के देखने को मिलेंगे और इनके ऊपर बेसिकली देवी देवताओं की जो पिक्चर है वो आप लोगों को यहां पर नजर आएंगी और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर चीजें देखोगे आप लोग यहाँ पर भारतीय पौराणिक कथाओं से रिलेटेड भी यहां पर ये चीजें कनेक्ट आएंगी ये है कुसान सतवाना पीरियड में अगर आप लोग जाओगे तो यहां पर सिल्वर के कॉइन जो है लैंग्वेज में आप लोगों को कई बार एक तरीके तरीके एक तरीक, एक क्या बोला जाए द्विभाषी बोला जाएगा एक तरीके से अगर हिंदी में आप लोग बोलोगे तो यहाँ पर कोपर, सिल्वर और लेड के भी हाँ पर कॉइन जो है वो इशू किए गए थे उनके ऊपर हाथी घोड़ा ये सारी चीजें बना देना तो ये इनका तरीका था अपने कॉइन को लेकर चलने का यानी कि अपने अपने हिसाब से यहाँ पर लोगों ने जो है वो कॉइन बनाने स्टार्ट किए अलग अलग डायनेस्टी के द्वारा तो हमारे देश में कई तरीके ऐसे कॉइन यहाँ पर बनाए गए अगर बात करें यहां पर अलग कोइन यहां पर बनाए गए ये एक अलग रेज में आप लोगों को जो वेस्टर्न जिसको वेस्टर्न बेसिकली यहां पर आप शक्त्र, बोला गया है बेसिकली इनके द्वारा ग्रीक और जो ब्राह्मी ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके कॉइन आप को कुछ ऐसे नजर आएंगे यहां पर ठीक है तो अर्लिएस्ट कॉइन है जो कि डेट भी यहां पर इसके ऊपर कई बार लिख दी जाती थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पर आप लोग कुछ ऐसे कॉइन नजर आएंगे एक तरीके गुप्त के द्वारा इशू किए गए कुमार गुप्त के अभी कुछ आप को देखने को भी मिले थे तो अलग अलग तरीके से ये कॉइन हाँ पर आप लोगों के सामने नजर आते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया में अलग कॉइन रहते हैं साउथ इंडिया में उनका स्ट्रक्चर आप लोग कुछ अलग देखने को मिलेगा जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप लोगों के सामने ये साउथ इंडिया वाले होंगे चालुक्य डायनेस्टी हो गया पाल पालवीज चोल या फिर पांडियाज डायनेस्टी तो चेरा हो गया ठीक है ये होशयाल तो ये सारे अलग अलग तरीके के कॉइन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे कुछ इस पैटर्न में इनके द्वारा छापे जाते थे जैसे मैंने बताया आप लोगों को आप लोग अपनी जिंदगी में जिस तरीके से चीजों को लेकर चलना चाहते हैं ऐसे ही यहां पर जैसा राजा होगा उसको लगा किसी को जानवर के हिसाब से रखना है किसी को देवी देवताओं के हिसाब से तो सब ने अपने पैटर्न रखे दहली सल्तनत में कोइन जो है वो कुछ ऐसे देखने को मिले कोइन का नाम टंका और जितल रखा गया ठीक है ं का जो था वो सिल्वर का था और जित्तल जो था वो कॉपर का था ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछा गया है याद रखिएगा इसको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में ये चीजें बता रहा हूं और रिविजन लेना इनका पीपीटी आप लोगों को जब मिल जाएगी अच्छे से ठीक है कोई कंफ्यूजन आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए इसके बारे में खिलजी डेनेस्टी के टाइम पर जो कॉइन इशू किए गए वो कुछ ऐसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे इनके द्वारा ठीक है तो इस तरीके से अगर बात करें सबने अपने अपने यहां पर इस तरीके से कॉइन रखे गोल्ड सिल्वर और कॉपर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऐसे अगर बात करें आगे चलकर फिर तुगलक डेंसिटी होगी यहां पर तुगलक डेंसिटी के द्वारा कुछ ऐसे कोइन आप लोगों को यहां पर देखने को मिले ठीक है तो यहां पर ये यह बात करते हैं कि एक तरीके से ना सब किसी न किसी चीज से इंस्पायर यहां पर आप लोगों को नजर आएंगे तो इसी तरीके से जो मुद्रा के कई तरीके हो, तो यहां पर चीन से प्रेरित ये मुद्रा है ऐसे कुछ आप लोगों को पुराने टाइम में चीन की मुद्रा मुद्रा आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये कैसे होगा जब कोई चीनी हमारे देश में व्यापार करने आ रहे हैं तो उसके बेस पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को नजर आएगी तो कोई ना कोई हिस्टोरिकल पैटर्न एक दूसरे के साथ में आप लोग को नजर आएगा यहाँ पर ठीक है विजयनगर का जो एम्पायर था यहाँ पर उसमें कॉइन कुछ ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे और मोस्ट गोल्ड एक तरीके से आप लोगों का जो कॉपर के जो कॉइन है वो आप लोग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बेसिकली नजर आएंगे ठीक है इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछे तो कन्फ्यूज मत होना है कोल्ड नहीं गोल्ड है ठीक है तो ये आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे तो इमेज जो है यहां पर आप लोगों को यहां पर डायटी की देखने को मिलेगी तिरुपति ठीक है तो लोर्ड जो यहां पर वेंकटेश्वरा तो यहां पर ये कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाता था, था उनके जो कॉइन थे तो इस तरीके से यानी कि एक तरीके से अलग अलग जो भी जिसको मानता है वो उसी पैटर्न में एक तरीके से जो कॉइन होते हैं जो कल्चर होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो उस टाइम की आप लोगों को कल्चर भी दिखाता हुआ नजर आता है ये आप लोग ध्यान रखिएगा मतलब क्या है मतलब यहां पर ये यह कि ये एक तरीके से कहीं कही ना कहीं आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम यहां पर अगर किसी चीज को समझना चाहते हैं इसलिए कहते हैं कि उस एरिया में है ना खुदाई में कॉइन मिल गए तो वहां से पता चलता है अच्छा ऐसी कल्चर वहां पर हुआ करती थी तो ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है सारे सिस्टमेटिक वे में आप लोग को बताए तो करेंसी का एवोल्यूशन कैसे है उस क्वेश्चन को आप लोग लिख सकते हैं बाकी प्रलिम्स के अंदर भी यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन है जो कि यहां पर 2021 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा बोला गया है यहाँ पर इससे रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लोग लगाओगे तुरंत इसका आंसर दे दोगे आप लोग यहां पर देखते हैं बोला गया द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर को अपॉइंट करती है बिल्कुल सही है बिल्कुल अपॉइंट करती है ठीक है अब यहां पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी गवर्नर के बारे में और सेंट्रल बैंक के बारे में पता है तो आप लोग यहां पर इसको देखिए सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर टू इशू द डायरेक्शन ऑफ ऑफ रिजर्व बैंक इंडिया जो इन पब्लिक इंटरेस्ट पूरा स्टेटमेंट इतने शानदार तरीके से फ्रेम किया गया कि पढ़ने वाले का चक्स जो है वो ढीला हो जाएगा यानी कि अगर आप लोग स्टार्टिंग स्टेटमेंट यहां पर हटा दो कि सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाकी आधी स्टेटमेंट पूरी की पूरी बिल्कुल करेक्ट है पर लेकिन ये संविधान के अंदर नहीं लिखा हुआ है ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम आप लोग ये करती है वो आप लोगों के साथ में खेलेगी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं पर लिख देव ठाकर तो बच्चे यहां पर घूम जाएंगे और जिसको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका संविधान से कोई डायरेक्ट लेना देना है ही नहीं है तो तुरंत आप लोग यहां पर इतनी ये स्टेटमेंट पढ़ते आप लोग बोल दोगे कि भाई साहब क्वेश्चन का आंसर सी हो गया तो कॉमन सेंस के ऊपर बहुत ज्यादा खेलता है बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी तो वो कैसे डेवलप होगी वो होगी जैसे जैसे आप लोग चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कहाँ पर इंडियन जो कॉइन है वो मिंट किए जाते हैं मुंबई हैदराबाद कोलकाता चेन्नई सही आंसर क्या है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था <coughs> <coughs> तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर चेन्नई मैंने आप लोगों को नहीं बताया था क्या था नोएडा था यहाँ पर ठीक है तो सही आंसर क्या है सही आंसर है यहाँ पर ए वन टू एंड थ्री तो कोई भी कन्फ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये सही है और कल क्वेश्चन पूछा था एक इनकरेक्ट वाला तो वहां पर कई सारे बच्चों ने बोला कि सर इनकरेक्ट देखना भूल बोले <laughs> जल्दी जल्दी में कई बार होता है ना जब पढ़ाता रहता हूँ तो चाहिए कुछ समझानी होती है तो कुछ दिमाग में होता है तो कई बार इस तरीके से हो जाता है काम थोड़ा ठीक है तो आंसर रहते हैं वैसे आंसर बिल्कुल सही था पीपीटी वगैरह में जब आप लोग देखोगे ठीक है तो थैंक्स यार बता दिया करो जहाँ भी कोई गलती होती है क्योंकि उसको सुधारना जरूरी है ठीक है आगे चलते हैं डिजाइन और जो जब इशू के बारे में बात करते हैं करेंसी के इंडियन बैंक क्विन तो उसके बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने बोला गया कि यहां पर यह बोला गया कि इट वॉज डिसाइडेड बाई रिजर्व बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर चेंज इन द डिजाइन ऑफ द करेंसी नोट अप्रूव बाई से जो नोट होते हैं उसमें अप्रूव किया जाता है आरबीआई के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट ये आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई चेंज करना हो जैसे अभी किया गया ठीक है थेके? हमारी कंट्री में जो चेंज इन द डिजाइन ऑफ द कॉइन अप्रूव किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो यहां पर कौन सी स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है इन है ओनली वन ओनली टू ओनली थ्री नन ऑफ द सारी की सारी स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है तो सारी की सारी स्टेटमेंट सही है पर लेकिन इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए नन ऑफ द अबो हो गया वरना आंसर सी होता ठीक है तो आंसर क्या हो गया आंसर डी हो गया ये सारी के सारे पॉइंट आप लोगों के सामने है तो ये पूरा टॉपिक इस तरीके से तैयार करना था तो कहीं केजरीवाल साहब का नाम आया कि केजरीवाल साहब ने क्या बोल दिया यहां पर तो केजरीवाल साहब के द्वारा स्टेटमेंट दी गई कि सर इंडोनेशिया के बारे में बोला था कि इंडोनेशिया में भी वहां पर करेंसी के ऊपर वो भगवान की फोटो लगाई जाती है तो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है क्या हम लोगों को लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए इसके बारे में यस या फिर नो और अगर लगाना चाहिए तो किसकी इमेज लगानी चाहिए अगर आप लोगों से इंटरव्यू में कोई पूछ ले तो आप लोग इसके बारे में क्या आंसर दोगे ठीक है आप लोग इसको कैसे बेसिकली सजेस्ट करोगे तो यहां पर आप लोग बेसिकली अगर नॉर्मल देखा जाए तो न्यूट्रल होकर चल रहे किसी पर्टिकुलर लीडर के बारे में अगर हम लोग लगाएं कि ये लीडर है हमारे देश के ठीक है उनके बारे में लगाएं समझ में आता है पर लेकिन अगर रिलीजन के पॉइंट ऑफ से हम लोग चलेंगे तो देश के अंदर में काफी सारा डिवीजन होता हुआ इसको नजर आएगा ठीक है क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रिलीजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर एक रिलीजन का लगा दिया तो दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं वो उसको ऐसे देखेंगे कि आखिर हमारा रिलीजन के क्यों नहीं लगाएगा तो वो चीजें काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल यहाँ पर हो सकती है तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है आप लोग अपनी राय बताओ देखता हूँ कौन कौन क्या क्या आंसर देता है तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में अब क्लियर हो जाना चाहिए अब यहां से कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए अगर कोई भी करेंसी के साथ में बोलना कि कोई अगर नोट को छेड़ता हुआ फाड़ता कुछ करता हुआ पाया जाता है बोलना कि सात साल की सजा हो जाएगी अगर किसी के खिलाफ आप लोगों ने इस तरीके से रिपोर्ट कर दिया तो ये सारी बातें हैं आप लोगों के सामने आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लाटी आई होगी सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गए और अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है ठीक है अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करिएगा ओके काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल होगा यार खासकर अगर देश की सिक्योरिटी के बारे में आप लोग बात करें अमित शाह जी जो हैं वो बेसिकली पहुंच गए डंडा लेके बोले कि स्टेट को सुधर जाओ नहीं तो मैं सुधारूंगा मतलब मतलब कहने का ये है कि देखिए आज की डेट में अगर कहीं पर कोई टेररिज्म की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर सारे राज्य जो हैं उनकी पॉलिसी जो है एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है यानी कि कोई राज्य कुछ बोलता है कोई राज्य कुछ बोलता है तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पॉलिसी के बारे में ताकि अगर टेररिज्म के जो लड़ने की बात आए तो सारे लोग जो हैं वो एक पैटर्न में यहां पर खड़े हुए नजर आए तो ये काफी ज्यादा जरूरी है तो यहां पर ये इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी और पोलिटिकल के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट यहां पर ये आर्टिकल है तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा बोला गया दो तक का काउंटर टेरिज्म एक्टिविटीज के लिए हर एक स्टेट के अंदर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि एनआईए जिसको आप लोग बोलते हैं तो उसको यहां पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिशन भी है उसके पास में और एडिशनल पावर भी उसको दी जाती है ताकि कहीं पर भी कोई भी टेरिस्ट है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त करनी हो वो सारी चीजें तो वो आसानी से कर सके तो यानी कि एनआईए की पावर को ताकतवर बनाना ताकि टेरिज्म को कंट्रोल किया जाए इसी के लिए अमित शाह जी के द्वारा चिंता शिविर में यहां पर बातें रखी गई जो कि सूरज हरियाणा के अंदर आप लोगों को देखने को मिला नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो ऑफिस हैं वो हर एक स्टेट में यहां पर होने चाहिए और यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जो यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग और कॉपोरेट अफेयर के द्वारा भी यहां पर इसके बारे में बातें बोली गई यानी कि देश के अंदर में कल को चलकर कोई आतंकवाद जैसी कोई सिचुएशन बनती है तो उसको टैगल कैसे करना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा मतलब कहने का यह कि कोई एक इंसान बैठकर सोल्यूशन नहीं निकाल सकता है सारी डायमेंशन में आप लोगों को काम करना पड़ेगा जब जाकर यहाँ पर सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा और उसी के ऊपर काम करने की यहां पर बात की जा रही है यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी देखिए सोचो अगर कहीं पर जैसे मुंबई के अंदर में वो जो हादसा देखने को मिला था ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो कैसे आप लोग चीजों को संभालोगे तो मिलकर यहाँ पर सारे स्टेट को लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर को इनको मिलकर काम करना पड़ेगा तो सबके द्वारा अटेंड किया गया चिंता शिविर जो कि हरियाणा में हुआ तो इस चिंता शिविर में अभी ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि इन सिचुएशन को कैसे आप लोगों को हैंडल करना है एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आप लोगों को हमारे देश के अंदर में एन ए टी जी आर आई डी इसको बोलते हैं नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड तो ये जब ग्रिड हमारे देश में लाया गया जिसको एन ए टी जी आर आई डी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसमें सब देश को यहां पर बेसिकली एक तरीके से रखने की बात की गई उस टाइम पर और बोला यह गया सारी जो बेसिकली स्टेट्स हैं बोला यह गया कि इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी कोई कहीं आ रहा है कोई कहीं जा रहा है क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं क्या क्या चीजें चल रही है वो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि उसको ट्रेस कर एक मिनट में लोगों को पता चला जा सके जो भी कोई उल्टी सीधी हरकतें करता पाया जाता है तो इसके चलते यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा बोला गया था कि सून इंडियन पिनल कोड और कोड ऑफ सिविल जो यहाँ पर प्रोजिजर है बेसिकली उसको इसको टैकल किया जाएगा उसको बेसिकली चेंज किया जाएगा ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में काम कर सके और देश की जो सिक्योरिटी है उसको बनाए रखे तो एनआईए के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा उसके पास में ट्रस्ट तब करेंगे और जब कुछ काम करेगा और वो काम तब करेगा जब हमारे पास में डेटा होगा और डेटा दब होगा जब उसको कोई डेटा देगा तो इन्फोर्समेंट जो डायरेक्ट्रेट से भी डेटा यहाँ पर आएगा यानी कि कौन कौन क्या क्या हरकतें कर करकते हैं नारकोटिक विभाग से डेटा आएगा कहां, कहां पर नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं और फॉरन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जिसको एफ सी आर आप लोग बोलते हो वहां से भी डेटा आएगा कि कहां कहां बाहर से किस किस एनजीओ के पास से पैसा आ रहा है कई बार देश में देखिए क्या होता है कई सारी एनजीओ ऐसी होती हैं वो तो अच्छे से काम करती हैं पर कुछ एनजीओ ऐसी भी होती हैं जो अच्छे से काम नहीं करती हैं तो उनको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर भी काम हमको करना पड़ेगा अब इंपॉर्टेंट मुद्दा के यहां पर अगर यहां पर अमित शाह जी के बारे में आप लोग यहां पर याद रखें कि हमारी कंट्री में अगर कल को चलकर आप लोगों को सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा कि सातवा शेड्यूल है संविधान के अंदर में जिसमें अगर बात करें लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर है वो तो आगे है किसके अंदर में वो तो आगे है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ठीक है ये याद रखिएगा पर लेकिन जब बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एम एच एन के जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो यहाँ पर काम करती नजर आएगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है कैसे पुलिस को मॉडर्नाइज करना है सेंट्रल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी विद स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करेगी तभी चलकर यहां पर काम निकलता है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डेटा आता है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा लाया जाता है तो टोटल मिलाकर अगर एक सिस्टम के बारे में आप लोग बात करोगे तो वो सिस्टम ऐसा है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर काम करना पड़ेगा कोई एक ढंग से काम करेगा तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा दोनों को ढंग से काम करना पड़ेगा तो यहां पर इसीलिए बोला जाता है जैसे कि अगर बात करें कुछ भी अगर हम लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो कई बार बोलते हैं कानून व्यवस्था की कैसे मुद्दे होने चाहिए तो यहां पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए देश के अंदर में ठीक है करप्शन होगा तो वहां पर हरकतें होती हुई नजर आएगी पुलिस से रिलेटेड चीजें आप लोगों को को देखने मिलेगी उनका बिहेवियर लोग पुलिस से फेवर कम डरते जाते हैं ये पता नहीं यार किस केस में क्या फालतू का वो बढ़ जाए उन्हें कहते हैं कि एक तरीके से पुलिस से और वकील से डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए ऐसा आप लोगों ने कई बार सुना होगा ये तो मतलब डायलॉग मेरे लैंडलोड का था ठीक है बोलते हैं कि मैंने बोला बात की मैंने कहा अंकल जी मकान चाहिए था वो बेसिकली एक फ्लैट चाहिए था तो वहाँ पर बातें ये तो कह रहा है पुलिस में ना हो और वकील ना हो ये दो लोगों को मैं मकान नहीं देता हूँ ठीक है मैंने कहा अच्छा जी मैंने कहा ये अलग ही लेवल का खेला खेला जा रहा है एथिकल इशू कई सारे देखने को मिलेंगे अपनी जॉब को लेकर लोग काफी ज्यादा करप्ट रहते हैं ठीक है तो ऐसी हरकतें देखने को मिलेगी और भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का मुद्दा देखने को मिलेगा जुडिशियल प्रोसीजर का मुद्दा देखने को मिलेगा अगर किसी इंसान को पकड़ा जाता है और उसको सजा मिलती है तो उसमें पुलिस स्टेट पुलिस सेंटर की भी एजेंसी जुडिशरी सब लॉ एंड ऑर्डर का सब मुद्दा एक साथ में काम आता है यानी कि सिस्टेमेटिक वे में सब कुछ सुधारना पड़ेगा अगर सही तरीके से चीजों को टैगल करना है वरना आदि सुधरे

देश के अंदर में बाढ़ आई तो दो में बाढ़ आई चार में सुनामी आई सॉरी सुनामी उस टाइम पर 2005 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बन गई इनके बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग जब तक सर पे एग्जाम नहीं आ जाता ना आप लोग तब तक किताबें उठाते नहीं है तब तक काम करना स्टार्ट नहीं करते हैं ऐसा ही कुछ हाल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है ठीक है अभी यहां पर टेरर से रिलेटेड जो मैटर थे एनआईए को पावर दी गई कि भाई साहब एनआईए कैसे टेरल करेगा तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन का केस जो है वो एनआईए को सौंपा जा सकता है ठीक है तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं पर लेकिन पहले एनआईए जो था यहां पर टेरिज्म के मामले में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ही यहां पर टेरिस्ट माना जाता था पर फिलहाल के टाइम पर अभी यहां पर पावर दे दी गई है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ में इंडिविजुअल को भी टेरिस्ट की कैटेगरी में डाला जा सकता है साथ ही साथ में एनआईए के स्पेशल कोड भी रखे जा रहे हैं ताकि मेट्रो को थोड़ा फटाफट फड़ सुना जा सके सिचुएशन को हैंडल किया जा सके हेडक्वार्टर दिल्ली में और बाकी हेडक्वार्टर इसकी ब्रांच हैदराबाद गुवाहाटी लखनऊ मुंबई कोलकाता रायपुर बहुत सारी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कल को अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए आप लोगों से तो क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया यहां पर ठीक है आप लोग देखते हैं बोला गया कीपिंग इन द व्यू ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक आज डेट तो में साइबर अटैक देखने को मिलते हैं और डिस्कस द डिफेंसिव मेजर्स अगेंस्ट दीज जो सोफेस्टिकेटेड अटैक किए जाते हैं इंटरनल और अगर बाहर वाली चीजों को ध्यान में रखे चलोगे तो हर एक लेवल पर हम लोग को सोल्यूशन निकालना पड़ेगा एक साइड में आंख बंद कर, कर नहीं चल सकते हैं आप लोग यहां पर बोल सकते हैं ठीक है तो एनआईए को इस तरीके से यहां पर काम करना पड़ेगा इसीलिए यहां पर स्पेशल कोर्ट की बात की जा रही है और इसीलिए यहां पर इसकी जो अलग अलग एरिया में ऑफिस की और इसीलिए यहां पर बोला जा रहा है कि जगह जगह आप लोग काम करना पड़ेगा ठीक है अगर कोई यहां पर ऐसा कोर्ट बनाना भी है तो प्रिजाइड करेगा जो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट तभी यहां पर ऐसा कोई कोर्ट बनाया जाएगा ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से बैठा लिया कोई कोर्ट लाके और वो कोर्ट जो है वो मनमानी चला रहे हैं वहां पर ऐसा नहीं चलना चाहिए ठीक है

क्योंकि विदाउट स्पेशल परमिशन यहां पर अगर टेरिज्म का मामला आ गया तो स्टेट से परमिशन लेते रहेंगे तो सामने वाला उड़ा देगा ठीक है स्टेट रिक्वेस्ट कर सकता है कि भाई साहब कोई मैटर हो गया तो ये एनआई को सौंप दो और वैसे वरना काम ये होगा ठीक है तो सही आंसर याद रखेगा आंसर यहां पर बी हो गया कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए अगर कंफ्यूजन होगा तो दूर करना है ठीक है आगे बात करते हैं यहां पर जो सारी प्रॉब्लम मैंने बताई अभी यहां पर वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो चारों की चारों पॉइंट बताए थे वो यहां पर लिखे हैं बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया आप लोगों के सामने तो आंसर यहां पर डी हो गया वैसे याद रखिएगा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है इसलिए हर एक स्टेट की अपनी खुद की स्पेशल पुलिस है ठीक है इसलिए अरविंद केजरीवाल जी रोते रहते हैं कि हमको भी पुलिस दे दो भाई साहब हम मेंटेन करेंगे पर लेकिन जो यहाँ पर यूनियन टेरेटरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों को खेला खेलती हुई नजर आएगी तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कन्फ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है और आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें या फिर नॉर्मल सिक्योरिटी के बारे में तो आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकते हैं ये परफॉर्मा है आप लोगों के सामने चिंता शिविर कहां पर हुआ सूरज कुट हरियाणा में क्वेश्चन पूछ ले तो ये मत बोलना कहां से आ गया भाई साहब यहां से आ गया थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में छुटने नहीं दूंगा ठीक है दोस्तों ये जो आर्टिकल है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एक आर्टिकल नहीं है पूरा एक चैप्टर आप लोग बोल सकते हैं जिसमें बहुत सारी डायमेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यानी कि एक ही टॉपिक के अंदर कई सारे टॉपिक आप लोगों को समाहित देखने को मिलेंगे और टॉपिक के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा तो पूरा अच्छे से ये टॉपिक आप लोगों को सुनना है ताकि उन क्वेश्चन का भी आंसर दे सको और टॉपिक को ऐसे समझ के चलना है अगर किसी को पढ़ाना भी आप लोगों को पढ़ जाए तो आप लोग उसको पढ़ा सको डाउन टू अर्थ एक बहुत ही रेप्यूटेड मैगजीन है जिसके अंदर ये टॉपिक कवर किया गया और पर लेकिन इस आर्टिकल को मैं कुछ हिस्सा मैंने यहां पर इंडियन एक्सप्रेस से भी उठाया और और भी एक न्यूज़पेपर मैंने यूज किया है तो पूरा एक प्रॉपर पीपीटी है आप लोगों के सामने जो कि आप लोग आगे आंसर राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो पूरा शानदार टॉपिक कवर करूंगा चारों डायमेंशन के साथ में ठीक है तो बात क्या की जा रही है बात यह की जा रही है कि यू जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारी कंट्री का लगभग सारी कंट्री है कुछ को छोड़कर मेंबर है इसके द्वारा यह बोला गया है कि क्लीन हेल्दी इन्वॉर्मेंट यानी कि एक ऐसा इन्वॉर्मेंट जिसमें हम लोग रहते हैं अगर वो क्लीन और हेल्दी होना चाहिए रीजन क्या है क्योंकि ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है यानी कि जो इंसान धरती पर रहते हैं उनको ये अधिकार है कि उनको एक ऐसा इन्वॉयमेंट मिल सके जो कि क्लीन एंड क्लियर हो अगर आप लोग मेरे लेक्चर रेगुलरली सुनते हैं तो यहां पर आप लोगों के माइंड में एक घंटी बजनी चाहिए टन 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 कौन सी घंटी कि यार इन्वॉर्मेंट को ह्यूमन राइट right बताया गया ऐसा कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है पर कहा पे सुना सुना लग रहा है तो बहुत ही डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा उसके बारे में भी पहले यहां पर देख लेते हैं ये जो टॉपिक है आप लोग का जीएस पेपर एंड जो और हेल्थ वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग यहां पर इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं तो यू यानी कि यूनाइटेड नेशन ने यह बोला है कि इस धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें राइट टू लिव के बारे में बात की जा रही है तो क्लीन और हेल्दी इन्वॉर्मेंट रहना चाहिए अगर आप लोगों के पास में अच्छा इन्वॉर्मेंट ही नहीं रहेगा तो आप लोग जीवित कैसे रहोगे अगर प्रदूषित हवा आप लोग लोगे तो इसका मतलब ये है कि इंसान की जो जान है वो खतरे में पड़ जाती है और एक तरीके से खासकर जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो नए बच्चे अभी पैदा होते हैं छोटे छोटे उनके खासकर जो बुजुर्ग होते हैं उनकी तो बॉडी वैसे ही एक तरीके से दिक्कत में आ जाती है एक नहीं एक जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो चुकी होती है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उनका शरीर इतना मेच्योर नहीं हुआ होता इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो उस पोल्यूशन को झेल सके तो उनके लिए तो वैसे ही दिक्कत है और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी आप लोग को यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी तो इसलिए इसको एक अधिकार के तरीके से देखा जा रहा है और जब हम लोग इसको अधिकार के तरीके से देखते हैं तो आप लोगों के माइंड में तुरंत एक बात आनी चाहिए और वो क्या है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे देश के अंदर भी यहां पर एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल मतलब अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो आप लोग इसको एक ऐसा कोर्ट बोल सकते हैं जो कि इन्वॉर्मेंट के मैटर पर ध्यान देता है तो एक ऐसा कोर्ट है हमारे देश में इसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि हमारा देश दुनिया में तीसरे नंबर का ऐसा देश है जिसने ये ट्रिब्यूनल बनाया हमसे पहले बना सके हैं बना चुके हैं जी हाँ बिल्कुल बहुत सारे लोग आगे होते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो हमसे पहले बना चुके थे दुनिया में तीसरे नंबर पर हमने ऐसा कोर्ट बनाया जो कि इनवोरमेंट के मैटर पर ध्यान देगा यानी कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा होना चाहिए अगर कोई उसको डिग्रेड कर रहा है तो उनकी गर्दन थर दबोचेगा ये पर्टिकुलर कोर्ट इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये अगर कोई केस आप लोग यहां पर लेकर जाते हैं तो ये ऐसा नहीं कि बाबा आदम के जमाने तक पड़ा रहेगा और चलता रहेगा ये झट मंगनी और पट भी हमें विश्वास करते हैं यानी कि केस लाओ और रफू चक्कर करो उसको फटाफट होना चाहिए भाई साहब ऐसे नहीं कि बस फाइल पे फाइल और तारीख पे तारीख और सनी देवल की दामिनी मूवी चल रही है नहीं केस आया उसको तुरंत निपटा डाला तो ये चीजें हैं यहां पर ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसकी ग्रेविटी अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो उसको समझने के लिए मैं आप लोग क्वेश्चन भी दिखाता हूं डायरेक्ट आप लोगों से यहां से क्वेश्चन भी बन चुके हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोग क्या समझते हैं और नोट करेक्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था अब इसके बारे में बात करूंगा पर लेकिन ये टॉपिक इसके साथ में कनेक्ट कैसे हो रहा है ये इसलिए कनेक्ट हो रहा है जब हम लोग बात करते हैं यहां पर इन्वॉर्मेंट के बारे में तो एक आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर में जो कि पार्ट थर्ड के अंदर आता है आर्टिकल बारह से लेकर आर्टिकल पैंतीस तक फंडामेंटल राइट है इसमें जो पार्ट थर्ड के अंदर में आर्टिकल जो इक्कीस है जिसको आप लोग राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं आप लोग बोलते हैं ना कि राइट टू लाइफ का अधिकार दे रखा है हमारे संविधान के अंदर में तो वो इसी आर्टिकल से हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं तो इसी आर्टिकल के तहत हमको राइट टू लाइफ कब मिलेगी जब हमारी लाइफ अच्छे से चलेगी तो यहां पर प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड द दर्सन लिबर्टी तो राइट टू लाइफ के साथ में कनेक्ट कर कर देख लिया कि राइट टू लाइफ तब होगी जब हमारे पास में एक अच्छा इन्वॉर्वमेंट होगा यानी कि जो बात हमारे संविधान में आर्टिकल ट्वेंटी में लिखी हुई है वही बात यहां पर इस मैगजीन के द्वारा जो आर्टिकल छापा गया है तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी यहां पर सेम बात बोल दी गई है यानी यूएन बी वही बात बोल रहा है जो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 में लिखी हुई है कि एक तरीके से जो लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए कि उनकी सेहत के लिए प्रॉपर ध्यान रखा जा सके और ये एक तरीके से अधिकार की कैटेगरी में आना चाहिए अधिकार क्या होता है अब यहां पर आप लोग समझिए एक डिफरेंस दो चीजें आप लोग को देखने को मिलती है एक को बोलते हैं आप लोग अधिकार अधिकार मतलब जिसे मैंने बोल दिया आप लोगों को यहां पर राइट या फिर फंडामेंटल राइट रख दिया तो और एक साइड में होती है फंडामेंटल ड्यूटीज तो अधिकार और ड्यूटी में कर्तव्य में क्या डिफरेंस है अधिकार ये होता है जिसको आप लोग मांग सकते हो यानी कि ये मेरा अधिकार है भाई साहब इसको अगर आप लोग नहीं दोगे तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ या जा सकती हूँ तो अपना अधिकार आप लोग हक से मांग सकते हो तो यानी कि एक तरीके से वो आप लोगों को चाहिए आप लोग के इसके पर्टिकुलर अधिकार में कोई रिकॉर्ड नहीं डाल सकते क्योंकि आप लोग का अधिकार है पर लेकिन ड्यूटी क्या होती है आप लोग को परफॉर्म करती है आप लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव दिलाती है तो ये ड्यूटी होती है तो यानी ये ड्यूटी आप लोग को परफॉर्म करनी है और अधिकार आप लोगों को मिलते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं तो ये अधिकार है आप लोगों का पर लेकिन इसी के साथ में इन्वॉर्मेंट आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है ऐसा तो है नहीं कि अच्छा इन्वॉयरमेंट चाहिए और आप लोग सारे पेड़ पौधे काटते जा रहे हो पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हो तो आप लोगों को भी प्रोटेक्ट करना है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि आप लोगों की ड्यूटी भी है इन्वॉयरमेंट को प्रोटेक्ट करना तभी तो अच्छे से अधिकार को आप लोग इंजॉय कर पाओगे तो ये ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ में आप लोग कनेक्ट करके इनको देख सकते हैं कि अच्छे से अगर ये इन्जॉय करना है तो इसमें आप लोग को परफॉर्म करना पड़ेगा तो इसी के चलते हमारे देश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया कि ताकि इन चीजों के ऊपर ध्यान रखा जा सके और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में क्वेश्चन भी जो पूछा गया है ये तो मैंने अभी एक क्वेश्चन आप लोगों से दिखाया आप लोग जितने भी पेपर उठाकर देखोगे ना किसी भी स्टेट पीसीएस का या फिर कोई भी अलग अलग एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं दूसरे या तीसरे साल में कभी ना कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं यानी कि फेवरेट टॉपिक है और उनकी भी गलती नहीं है फेवरेट टॉपिक बन भी जाता है क्यों क्योंकि इन्वॉर्मेंट के इतने सारे इशू हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से मुद्दा निकल कर आता है एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर सात स्पेसिफिक कानून हैं जिससे यहां पर ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो एक तरीके से काम करता है एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से पावर आती है निकलकर तो ये सारे के सारे एक्ट पूछे गए आप लोगों से और इनके सामने जो ईयर लिख रखा है ना ये ईयर मैच कराने के लिए पूछ लिया था आप लोगों से तो यानी कि एग्जाम जो है थोड़ा सा अंदर घुसने लगा आजकल तो यानी कि ईयर मैच करने के लिए पूछ लिया भाई साहब ईयर बताओ किस ईयर में कौन सा कानून आया और ये तो पता नहीं कितनी बार यूपीएससी के द्वारा भी बार ये रिपीट किया गया कभी एनडीए में पूछ लिया कभी सीडीएस में पूछ लिया कभी यूपीएससी में कभी एक तरीके से दूसरे एग्जाम में तो ये अलग अलग यूपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो यहां से आप लोग देखते हैं तो ट्रिब्यूनल जो है बोला गया कि डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल आर बांड, आर बाउंड बाउंडिंग एक तरीके से वो डिसीजन फाइनल होगा पर फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है तो 90 दिन के अंदर अंदर आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा हाई कोर्ट को बाईपास कर दिया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा यानी कि अगर इसमें कोई मैटर चला गया तो डायरेक्ट आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं बीच में हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है रीजन क्या है अगर हाई कोर्ट में आप लोग जाते हैं तो फिर वही दिक्कत निकल कर आ गई फिर से बर्डन पड़ेगा जुडिशरी के ऊपर तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं वरना फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का फायदा ही क्या रह गया तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहां पर एक पॉइंट और यहाँ पर जो कि रीजन है यहाँ पर इसके अंदर जो कोर्ट जो है वो मैटर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं क्योंकि जो हेड है यहाँ पर जो हेड बनते हैं वो आप लोगों को को सुप्रीम कोर्ट के जज पर देखने को मिलते हैं तो जिसकी वजह से हाई कोर्ट में फिर केस के ले जाने का को कोई मतलब नहीं है और ज्यादा बर्डन बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है एक तो ये इंटरेस्टिंग चीज है दूसरा यहाँ पर इसका ओरिजन कहां से निकल कर आता है ये भी आप लोग याद रख सकते हैं जो कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वोरमेंट एंड डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको आप लोग यू सीई -E ठीक है तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो थी यहां पर इन्वॉर्मेंट एंड डेवलपमेंट के ऊपर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उन्नीस में हुई थी तो वहां पर लगा कि यार इन्वॉर्मेंट से रिलेटेड जो मैटर है ना उनको सुनने के लिए अलग अलग कोर्ट आप लोगों को बनाने चाहिए तो ये जो यू है इसके बेस पर यहां पर जो सबमिट हुई थी यहां पर जो कि यहां पर रियो सम्मिट और एक तरीके से रियो कॉन्फ्रेंस या फिर अर्थ सम्मिट जो आप लोग बोलते हैं तो उस टाइम पर बोला गया नाइनटीन नाइनटी टू में कि यार कोई ना कोई कोर्ट आप लोग बनाओ और फिर लोगों ने जो है वो अपने कानून बनाने स्टार्ट कर दिए ताकि लोगों को हेल्दी इन्वॉर्मेंट दिया जा सके तो इसी के ऊपर यहां पर आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा गया एनजीटी के बारे में बोला गया कि ये कब बनाया गया दो में बनाया गया जी हाँ बोला गया कि पर्पज जो है वो इफेक्टिव एक तरीके से जो डिस्पोजल करना है केसेस का रिलेटेड टू इन्वॉर्मेंट ठीक है या फिर फॉरेस्ट के बारे में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बिल्कुल सही है ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर बोला गया कि यह प्रोसीजर जो यहां पर एक तरीके से फॉलो करता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करता है

के काम करना है ये ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन्हीं को आप लोगों को यूज़ करना है तो आप लोग बोलोगे भाई साहब इन्हीं पर ध्यान रह जाएगा मेरा मेरा तो हो वाली काम फिर तो इसलिए यहाँ पर ये काम कब रहता है ये सिविल कोड ऑफ जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से कोर्ट का मैटर जो है काफ़ी डिले चलता है उसमें ये सारा पैटर्न फॉलो करना होता है पर लेकिन जो नेचुरल जस्टिस का एक तो सामने वाले को सुनकर अपना डिसीजन देना है कि ऐसा नहीं कि कोई को बिना सुने कह दिया चल इसको डाल दे, डाल दे जेल में छह साल के लिए ऐसा नहीं है उसकी भी सुनो ना भाई जिसने गुनाह किया है कि वो क्या कहना चाह है फ्री में आरोप लगा दिया उसके ऊपर पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर यहां पर आप लोग बोल सकते हैं किसी भी मैटर में अगर आप लोगों को सोल्यूशन सुनाना है तो तब आप लोग सोल्यूशन सुनाओगे जब आप लोग यहां पर खुद अपने केस में जज नहीं हो सकते यानी कि पता चला मेरे ऊपर आरोप लगा रखे हैं मैं ही जज बना बैठा हूं और मैं बोलता हूं मैं बाईज बरी करता हूं अपने आप को ठीक है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो अपने ही मैटर में आप लोग जज रहोगे तो ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा तो यानी कि एक प्रॉपर कोड फॉलो नहीं किया जाता है नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो किया जाता है तो ये काफी इंटरेस्टिंग है तो यहां पर अभी जो एक काफी इंपोर्टेंट यहां पर ये यह मुद्दा दिया गया है यूएन के द्वारा भी डिक्लेयर तो हेल्दी इन्वॉर्मेंट को यहां पर ह्यूमन राइट right बताया गया वो भी यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब सबके लिए ए टू जेड सबके लिए छोटा बड़ा बुजुर्ग बच्चे एक तरीके से सबके लिए यहां पर यह इंप्लीमेंट किया जा रहा है लेकिन कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन अगर लाया जाता है जिसमें इस तरीके से हम लोग बात करते हैं एक बात याद रखेगा ये यहां पर बाइंडिंग नहीं होता है बाइंडिंग मतलब ऐसा नहीं कि जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूं कि लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया मैंने और ये लेक्चर अभी आप लोगों को देखने हैं अगर नहीं देखोगे तो इनको शाम तक मैं डिलीट कर दूंगा तो ऐसा नहीं होना है यानी कि आप लोगों के पास में लेक्चर है जब आप लोग चाहें आप लोग इन लेक्चर्स को देख सकते हैं ऐसा नहीं कि आप लोगों को इस टाइम तक ही देखने बिल्कुल ठीक है आंसर जरूर कह देता हूं कि मैं देखते ही जो आंसर देगा उसके आंसर उठाऊंगा तो उसका रीजन रहता है, है कई सारे फिर कॉपी कर, कर कर आंसर डालते हैं तो वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि जिसने नेचुरली लिखा है उसका आंसर जो है छिप जाता है तो उसके पीछे अलग रीजन है पर लेकिन ये पूरा मुद्दा यहां पर रहेगा इससे क्या रहेगा इससे कई सारे फायदे भी आप लोगों हाँ को मिलेंगे जो इन्वायरमेंटल जो इनजस्टिस होता है एक तो वो यहां पर हम लोग एक तरीके से ढंग से लेकर चल पाएंगे कि इनजस्टिस नहीं होगा आने वाले टाइम में ठीक है और यहां पर इन्वायरमेंट जो एक तरीके से डिफेंड करने वाले जो लोग हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो लड़का लड़की बड़े बुजुर्ग बच्चे एक तरीके से उनके अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो वो और ज्यादा क्यूरियस होंगे के के बारे में जानने के लिए और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचेंगे ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं ठीक है तो एक तरीके से ह्यूमन डिक्लेरेशन जो इसको राइट बनाया जा रहा है जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए तो ये कहीं ना कहीं सोच समझ कर बनाया जा रहा है ताकि ढंग से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके तो यूएन जनरल असेंबली जो है इससे पहले आप लोग देखते हैं इसी मैटर के बारे में पहले बात कर चुकी है जैसे कि वोटर के बारे में पहले बात की जा चुकी है यहाँ पर 2010 हजार दस के एरफेर में यहां पर राइट टू वॉटर और सैनिटेशन जो थ्रू रिजोल्यूशन हाँ पर इसके द्वारा लाया गया था अब यहां पर क्लीन इन्वयमेंट के बारे में इसने बातें कर दी तो हेल्थ जो है कहीं ना कहीं उसको और अच्छे से प्रोटेक्ट करने की इनके द्वारा लगातार बातें की जा रही है और ये ह्यूमन राइट के जब कैटेगरी में डाल दिया जाता है तो इसके वैसे फायदा है आप लोगों को पता है टेंथ जो दिसंबर को ह्यूमन राइट सेलिब्रेट किया था है अभी यहाँ पर दो का है और बाइस का कब आएगा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इस साल में दस दिसंबर को तो इसकी थीम क्या आती है इक्वेलिटी रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी के साथ में एडवांसिंग ह्यूमन राइट तो इससे आप लोग समझ सकते हैं तो इक्वलिटी में जब यहां पर बात करते हैं तो यहां पर चाहे बुजुर्ग हो चाहे बड़ा हो कोई बच्चा हो कोई किसी भी कैटेगरी में या फिर कोई नॉर्मल बच्चा कोई इंसान कोई एक तरीके से प्रेगनेंट वुमेन या फिर कोई ऐसा जो कि एक तरीके से दिव्यांगन है तो सबको इक्वल हम लोगों को स्टेटस देना है तो ये बातें यहां पर थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश की जाती है तो इसी के चलते सारे पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं और जब ह्यूमन राइट के बारे में इंडिया में हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है हमारे सारे फंडामेंटल जो राइट हैं वो सारे इन चीजों के बारे में बड़ी अच्छे से बात करते हैं कि हाँ फंडामेंटल राइट right मिले हुए आर्टिकल बारह से आर्टिकल पैंतीस तक तो ये इनडायरेक्ट वे में राइट टू इक्वलिटी राइट टू फ्रीडम राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन राइट टू रिलीजन इसी के साथ में एजुकेशन इसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये क्या है अगर इनसे कोई आप लोगों से पूछे

अब यानी कि आने वाले टाइम में जैसे यूएन के द्वारा इन्वॉर्वमेंट के बारे में बातें की गई है तो हम भी अपनी चीजों को और अच्छे से अपडेट कर सकते हैं कि हम भी अपने ह्यूमन राइट right के अंदर में किसी को अगर अच्छा सा इन्वॉलमेंट नहीं मिल रहा है और वो जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं तो ये हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट स्टेट और सेंट्रल लेवल पर है तो उसमें भी अपडेशन आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है जब हम लोग एक तरीके से इन्वॉर्वमेंट से रिलेटेड अधिकारों के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि इसमें कोई इनिशिएटिव देश के अंदर लिए ही नहीं गए बहुत सारे इनिशिएटिव है जैसे देख सकते हैं गरीबों के लिए अलग से जनधन अकाउंट रुपया ये सारे ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं इंसानों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए प्रधानमंत्री मतृत्व वंदना योजना वुमेन के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अभी हमारी कंट्री में थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया बच्चों के लिए पीएम केयर दिव्यांगन के लिए एक्सेसिबल की बात की जा रही है माइग्रेंट के लिए वन राशन वन कार्ड ये सारे वो इनिशिएटिव है इनको आप लोग लिख सकते हैं जब ह्यूमन राइट के बारे में बात की जाती है तो कहने का मतलब यहां पर ये यह हो गया अगर ऐसा आर्टिकल आता है तो उस आर्टिकल को आप लोगों को चारों तरफ से चहुमुखी उसका विकास आप लोगों को देखना है तब आगे बढ़ना है जितनी कहानी मैंने सुनाई है उस कहानी को सुनते हुए मुझे आशा है कि आप लोग यूपीएससी का ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे ठीक है और ये वैसे ये भी यूपीएससी का है आई थिंक जो ईपीएफओ में पूछा गया था आई थिंक ठीक है और ये यूपीएससी के प्रल्यू से पूछा गया है 2020 के अंदर में ठीक है तो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिए बोला जा रहा है कि फंडामेंटल राइट जो है ठीक है हमारे जो कंट्री के अंदर है फंडामेंटल राइट है अगर बात करीजिए उनके बारे में तो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रिफ्लेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कहां कहां पर यहां पर ये रिफ्लेक्शन होता है फंडामेंटल राइट right का अगर बात करें यहां पर यूनिवर्सल जो डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट के जो प्रोविजन है जो प्रिंसिपल है उसको जो रिफ्लेक्ट करे ये यहां पर आप पूछने की कोशिश की जा रही है यानी कि आप लोगों को पता है कि यहां पर फंडामेंटल राइट right के अंदर तो चीजें ही है कि हाँ हम लोगों के अधिकार हैं सारे आप लोग बता दो कि आर्टिकल बारह से लेकर आर्टिकल जो पैंतीस तक है और हजारों बार वीर सर ने पढ़ा रखे हैं ठीक है पर लेकिन इसके अलावा भी कहीं और है क्या ये पूछा गया तो प्रीएम्बल के अंदर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में और फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में तो यही बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर कुछ कुछ बताने की कोशिश की है तो आप लोग देखते हैं प्रीएम्बल के अंदर में भी ऑलरेडी हमारी यहां पर है प्रीएम्बल तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खाका है भाई साहब उसको देखकर लोग बता सकते हैं हमारे संविधान के अंदर क्या है तो वो तो नॉर्मल सी हो ही गया फंडामेंटल ड्यूटी में मैंने आप लोगों को बताई दिया कि इन्वॉर्यमेंट के बारे में बात की जा रही है यूनिवर्सल ह्यूमन डिक्लेरेशन के बारे में बात करें तो यहां पर अभी आप लोगों ने देख लिया तो वहाँ पर भी कई सारी ऐसी ड्यूटी रखी गई है ठीक है इसी के साथ में डीपीएसपी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दिया तो आंसर यहां पर डी हो गया यानी कि सारी चीजें ओवरलैप यार यानी कि अगर आप लोग बोले किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है तो एक दूसरे को पॉइंट साथ में कनेक्ट करके आप लोगों को देखना पड़ेगा तभी आप लोग इनको अच्छे से याद रख पाएंगे जब मैं पोलिटी में आप लोगों को पढ़ा रहा था ये सारी चीजें आप लोगों को याद होगा मैंने इसको कैसे कनेक्ट कर 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 आप लोगों को दिखा है ठीक है तो वो लेक्चर आप लोग जरूर देखिए अच्छे से उनको एंजॉय कर सकते हैं एक पूरी पोलिटी आप लोग ही कवर करा रखिए तो जो भी डाउट हो तो उसको पूछ लिया करिए आप लोग और उसको जाकर देखो जब भी उसके नीचे डन लिख दिया करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग इनको एंजॉय कर रहे हो तो ये पूरा डिस्कशन जो मैंने आप लोगों से किया है तो इसके बारे में एक छोटा सा तो क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा और वो है नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारे देश में बनाया गया तो जो शब्द ट्रिब्यूनल है क्या ये हमारे संविधान में ओरिजिनली था या फिर ये शब्द ट्रिब्यूनल जो है ये बाद में एड किया गया अगर ओरिजिनली था तो यस लिखिए और अगर ओरिजिनली नहीं था कि अगर बाद में ऐड किया गया तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया इसको ऐड करने के लिए और किस आर्टिकल के अंदर इसको ऐड किया है ये सारे वो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछ चुका हूँ ठीक है टेंशन मत लेना इनके आंसर जो है आप लोगों को नेक्स्ट डे मिल जाए करते हैं तो आप लोग इनको आंसर अच्छे से अटेम्प्ट करिए ठीक है थेके? वैसे अगर नेक्स्ट डे के चक्कर में भी आप लोग न पड़े तो वीडियो के नीचे आप लोग जाकर देख लेना बहुत सारे बच्चे जो है वो सही आंसर देते हैं जो रेगुलर कनेक्टेड है तो ये एक अच्छा टॉपिक था आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी और ऐसे टॉपिक जो है आप लोग चारों तरफ से इनको अच्छे समझा करो तभी आप लोग इनको लंबे समय तक याद रख पाओगे और जो जो भी बातें मैंने बताई उसके सबके नोट्स आप लोगों को पीपीडी के अंदर मिल ही जाते हैं जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को यहां पर मिल जाती है ठीक है तो टेंशन मत लिया करो कि हाँ क्या, क्या क्या बोल के चले गए सर जब पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे तो सारी पीपीटी आप लोग उनको जाकर देख सकते हो ठीक है प्रॉपर आप लोगों के पास में रहेगी और टेलीग्राम पर ये मिल जाती है ओके तो पूरा टॉपिक था फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग जैसा भी आप लोगों को टॉपिक लगता है आप लोग उसके बारे में बता सकते हैं दो आर्टिकल ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिए थे एक तो ये हाई कमिश्नर वाला आर्टिकल हम लोगों ने देख लिया था और दूसरा ये मेथेन वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर में नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों से बात करेगा यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के बारे में बात करेगा और एग्रीकल्चर में यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली न्यू वेराइटी फॉर बासमती यानी कि बासमती चावल आप लोगों ने देखा होगा अलग ही लेवल पर एक तरीके से उसकी मार्केट के अंदर भी इम्पोर्टेंस है और काफ़ी अच्छा चावल ये माना जाता है और काफ़ी लार्ज स्केल पर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं तीस हजार करोड़ जो रुपए हमारे देश में बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे फोरन से वो बासमती चावल का रोल प्ले करते हैं इससे काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलता है इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च करने वाला तो इसका नाम रखा गया तो लोगों से कोई पूछे तो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ में आप लोग इसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ये काम किया जाता है और पूसा। पूसा मिलेगा दिल्ली के अंदर में कई सारी स्टडीज के द्वारा की जाती है और यहाँ पर इसके पापा कौन है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वो इसके पापा है 1970s में, जब यहाँ पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन चलाया गया था ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था क्योंकि ये काफी लार्ज स्केल पर काम करता है एक पैटर्न में सिस्टमेटिक वे में बनाया गया था काफी पुराना है 1905 में यहाँ पर बनाया गया था तो मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 117 सौ सत्रह साल हो चुके हैं भारतीय कृषि अनुसंधान तो आप लोग इसको बोल सकते हैं बेसिकली तो ये अभी आप लोगों ने पूसा एक कैप्सूल सुना होगा जो कि खेतों में डाला जाता है और उसके बाद में घास फूस खत्म हो जाता है ये वही वाला है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा ठीक है तो ये बेसिकली आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में दो कॉमन जो बेसिकली यहां पर डिजीज है पेढ़ी के अंदर में एक तो बैक्टीरिया और दूसरी फंगल तो उसको रोकने के लिए यहां पर काम किया जा रहा है और उसको रिजिस्ट करने के लिए यहाँ पर एक नई इनके द्वारा मार्केट में ले जा रही है ये पानी को भी लगभग थर्टी फाइव परसेंट सेव करेगी डायरेक्ट बेसिकली एक तरीके से बोया जाएगा नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा प्योद तैयार की जाती है पहले एक छोटी सी क्यारी में लगाकर ताकि उसको निकालकर फिर लगाया जा सके और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जब हम लोग ऐसे फील्ड में काम करते हैं तो हमारे कई सारे राज्यों को फायदा देखने को मिल सकते हैं। क्यों क्योंकि बासमती चावल जो है वो जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा भी पाए हुए हैं और जम्मू कश्मीर के सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश वेस्टर्न साइड में खासकर और उत्तराखंड ये वो एरिया है काफी लार्ज स्केल पर जहां पर चावल जो है वो उगाए जाते हैं तो चावलों की जो बीमारी होती है जो चावल को जो बीमारी लगती है उसकी वजह से डायरेक्ट किसानों की पॉकेट पर जो बेसिकली नुकसान पहुंचता है तो उसको सुधारने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी वैरायटी लेकर आए कि कल को चलकर कोई बीमारी लगे तो यहां पर वो इंपैक्ट ना डाल पाए उसको बेसिकली रोका जा सके तो उसी के ऊपर यहां पर काम करने के लिए यहां पर एक तरीके से आप लोग बोलते हैं ना कुछ ऐसी साइंटिस्ट के द्वारा खोज लिया गया तरीका ताकि यहां पर जो दिक्कतें पड़ रही हैं उसका सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सके तो ये सोल्यूशन आप लोगों के सामने जो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है तो किसानों को काफी फायदा इससे मिलने वाला है वो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो एक अच्छा तरीका है इसके ऊपर काम करने का ठीक है तो इसके बारे में आप लोग ये बेसिक बातें हैं जो याद रखेगा और बासमती चावल इन एरिया में उगाए जाते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो बेसिक है आगे चलते हैं आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आप लोगों को बताएंगे जिसके चलते आप लोग कई सारी बातों कई सारी चीजों को एक कवर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी कि जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है जिसका नाम आप लोग को दिशा देखने को मिलेगा दिशा सुना होगा आप लोगों ने डायरेक्शन देना नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीके से जिंदगी में अगर मेहनत की जाए सही दिशा में तो सही टाइम पर आप लोगों को सही मुकाम मिल जाता है अगर दिशा ही गलत हो तो फिर सारी दिशा बदल जाती है तो एक कदम सही दिशा की ओर यहां पर ये यह आप लोग देख सकते हैं अभी क्या हुआ है यहां पर? हमारी में, जितेंद्र जो उनके द्वारा दिशा मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई वो भी कहां पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में तो ये काफी इंपोर्टेंट है तो दिशा मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई गई और यहां पर दिशा कमेटी की जो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको यहां पर चेयरपर्सन बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर एक तरीके से सिचुएशन को भी यहाँ पर हैंडल किया जा सके जैसे मैं आप लोगों को बोलता रहा ना पुराने टाइम में अगर किसी एरिया में चोरी हो गई और सोचो उस एरिया में कोई आई ए एस है कोई यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोई सांसद है ठीक है एक तरीके से जो विधायक है सॉरी ठीक है अगर उनको पकड़ा जाए उनकी गर्दन पकड़ा जाए कि तुम्हारे एरिया में चोरी क्यों हो गई तुम्हारे एरिया में रेप क्यों हो गया तो सोचो क्या उस एरिया में कोई चोरी या कोई रेप या कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि गर्दन सीधी उसकी पकड़ी जा रही है जो ऑथोरिटी है क्योंकि तुमको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो सोचो कितना सही सोल्यूशन निकल कर आएगा तो इसी तरीके से यहां पर चीजें होनी चाहिए तो ये जो कमिटी है ये क्वार्टरली आप लोगों को मिलती यहां पर नजर आएगी और टाइम बाउंड मैनर में एक डेवलपमेंट का, का काम करेगी और सेंट्रल की जो स्कीम है उनको बेटर तरीके से स्टेट और लोकल लेवल पर एक तरीके से कोऑर्डिनेट कर कर इंप्लीमेंट करेगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो यहां पर उसको रोल दिया गया कि कोई भी ऐसी मीटिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज कराना है और यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो ये कहाँ पर हुई ये अभी हुई कहाँ पर ये, ये याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में कौन किसके द्वारा प्रेजाइड की गई डॉक्टर जो हमारे जितेंद्र सिंह जी हैं उनके द्वारा इसको प्रेजाइड किया गया तो ये कमेटी है डेवलपमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसको बेसिकली बुलाते हैं कि हाँ ऐसी कोई मीटिंग होनी चाहिए एक टाइम बाउंड मैनर में डेवलपमेंट को चेक करने के लिए तो एक अच्छी मीटिंग आप लोग बोल सकते हो लोकल एरिया में डेवलपमेंट के लिए एक स्लाइड रह गई वैसे आप लोग यहां पर जब बात करते हैं ठीक हाँ तो हाँ मतलब है इस तरीके से चीजें समझिएगा तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर माइंड में देखिए टॉपिक को लेकर जितनी ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों की होगी ना उतने ही लंबे समय तक आप लोग चीजों को याद रख पाओगे और जितनी ज्यादा क्लैरिटी आप लोगों को नहीं रहेंगे उतना ही ज्यादा दिक्कत में आप लोग फिर पढ़ते हुए नजर आओगे तो बेसिक चीजें हैं थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रखकर ही आगे बढ़ोगे तो अच्छा में, आगे चलते हैं है, है संग्रहालय पर, हाँ पर एक गैलरी है जो, कि, जो हाँ पर एक गैलरी है इसके बारे में बात की जा रही है तो ये एक ओपन पब्लिक व्यू हुआ है जनवरी 2023 से जहां पर प्रधानमंत्री जो रहे हमारे देश के उनके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये बताना है कि कहाँ पर ये लोकेटेड है ठीक है देखता हूं कौन कौन बताता है नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सूर्य दिवस के बारे में सूर्य दिवस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया यहां पर ट्वेंटी से यहाँ पर स्टार्ट किया था तो आजादी के सालगिरह भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में तो उसके द्वारा यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला तो ये यह पर्टिकुलर यहाँ पर देखा अभी आप लोगों को याद होगा एक अभी एक जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है राजनाथ सिंह जी की जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी हैं काफी ज्यादा है, वायरल यहाँ पर हो रही है वायरल क्यों हो रही है वायरल इसलिए हो, हो रही है उन्होंने बोल दिया कि जो जम्मू एंड कश्मीर में पाक ऑक्योपाइड एरिया है हमारा टारगेट है कि अपना एरिया जो है वो वापस लेना और उनके द्वारा ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई इसी जो एयरपोर्ट के ऊपर में ठीक है तो उसकी वजह से वो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सल एक स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रही है एक तरीके से अलग तरीके से देखा जा रहा है दुनिया के द्वारा पर लेकिन वो जरूरी भी है हमारा एरिया है हमारे पास में आना चाहिए दुनिया को कैसे भी लगता रहे जब पुतिन अपना एरिया ले सकता है तो क्या हम लोग अपना एरिया नहीं ले सकते तो आप लोग को क्या लग रहा है लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए नोम सी बात है यार लेना चाहिए हमारा एरिया अपना एरिया कैसे छोड़ दें तो ये समझ सकते हैं आप लोग जो पर्टिकुलर हवाई अड्डा है यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था इस पर्टिकुलर एरिया में तो हाँ पर द्वारा हाँ ओली उत्तराखंड के अंदर में अभी आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा चाइना बॉर्डर के पास में पंद्रह नवंबर से लेके दो दिसंबर तक का जिससे चाइना को मिर्ची लग जाती है सुना बचपन में चूरने हो जाए चूरने हो जाते हैं जरा सी देर में ठीक है तमिलनाडु के तमिलनाडु को बेसिकली यहां पर एक तरीके से ये अभी एक कार में एक्सप्लोरेशन देखने को मिला कि बम ब्लास्ट हुआ तो ऑपरेशन जो है ये आई एन ए को यहां पर सौंपा गया तो इन नेशनल इन्वेस्टिगेटन इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि यहां पर कोई भी ऐसा मैटर है जो टेरिज्म से रिलेटेड यहां पर देखने को मिलता है तो उस टाइम पर ये काम करती है यहां पर आप लोगों को नजर आएगी ठीक है थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं जो बागवानी है उसके बारे में बात की जा रही है तो उसका एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि प्रोडक्शन जो है काफी अच्छा रहने वाला है बल्ले बल्ले मजे ले लो ठीक है यानी कि एक तरीके से अच्छी खबर दी जा रही है रुझान अच्छे आ रहे हैं कि खेती अच्छी रहने वाली है ठीक है तो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा क्योंकि ये अगर बढ़ती है तो किसानों की ऑल्टरनेटिव इनकम बढ़ती है जैसे कि यहाँ पर एक तरीके से डबल इनकम करने की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है कि अगर वो कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर यानी कि जैसे सब्जी लगा लिया ठीक है फूल ये फूल पत्ती वगैरह लगा लिया तो इस तरीके से चीजें बढ़ती हैं फिर ठीक है इंडिया जो है वो बिगेस्ट जंप करने वाला है एनर्जी डिमांड में यानी कि आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर में एनर्जी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और ये किसके द्वारा बोला गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा बोला बोला गया गया है है ठीक और कहीं में वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा सकता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक कौन प्रस्तुत करता है तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यहां पर प्रस्तुत करती है तो ये वन डे टाइप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं तो जितना क्लियरिटी रहेगी उतना अच्छा रहेगा ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग है स्टार लगा लेना और ये अभी आगे आप लोगों को सुनने को भी देखने को मिलेगा मैंने आप लोगों से बात की थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के बारे में तो जो 26 है वो ग्लासगो में यूके में हुई थी जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को यहाँ पर एक तरीके से जो बाइडन ने एक तरीके से बैलाफला कर बोला था दो तक हम लोग कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर ले वरना लग नहीं रहा था कि इंडिया वहां पर कोई ऐसी शपथ लेने वाला है ठीक है ट्वेंटी मीटिंग अभी होने वाली है कहां पर ये होने वाली है बेसिकली सरम अल शेख कहां पर ये इजिप्ट के अंदर में तो इजिप्ट के अंदर में ये मीटिंग आप लोगों को, को देखने को मिलेगी और 6 नवंबर को देखने को मिलेगी यानी कि ज्यादा दूर नहीं है जल्दी आप लोगों को को ये मीटिंग देखने मिलेगी तो एग्जैक्ट लोकेशन से अगर इजिप्ट जाना है तो यहां से आप लोग ये देखिए ठीक है इजिप्ट जो है वो एक पार्ट है होन ऑफ अफ्रीका कंट्री का होन ऑफ अफ्रीका के अंदर में कौन कौन आता है ये आप लोग बताइए देखता हूं कौन कौन बताता है तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है एनर्जी प्राइस जो है वो आगे आने वाले टाइम में गिरने वाले हैं ये बताया जा रहा है क्यों क्योंकि तो अभी आने वाले टाइम में जो है जो वर्ल्ड लेवल की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन में जाने वाली है तो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलने वाली है ऐसा आप लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड डे फोर ये है ऑडियो विजुअल हेरिटेज तो यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है देखने और सुनने से रिलेटेड जो विरासत है वो सेलिब्रेट किया जाता है ट्वेंटी ऑफ अक्टूबर को ठीक है तो ये था आप लोगों के सामने सोर्ट न्यूज ओके आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन कुछ है पर बोला जा रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूट यहां पर रिलीज करता है लिस्ट ऑफ प्रायर फंगल जो पैथजन होते हैं यानी कि इसके बारे में कौन बताता है कि यहाँ पर ये पैसे जाना है इनको पे रखना है इसको बेसिकली दिक्कतें देखने को मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग बोले तो हेल्थ के बारे में बात की जा रही है ठीक है और यही शब्द बोलते ही अब आप लोग आंसर दे सकते हो कॉमन सेंस लगाकर ठीक है देखता हूं कौन देता है आंसर ठीक है बोला गया कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है पहली इनहेलेबल जो वैक्सीन होती है अगेंस्ट कोविड नाइन्टीन मतलब एक तरीके से इसे गोली नहीं लेते हैं गोली खा लो अभी तो इंजेक्शन लगे थे सबको सबको दो दो डोज लग चुके हैं ना सबने लगवा लिया है

येलो रिवर ये रिवर काफी फेमस रिवर है वो भी चाइना की रिवर है अब तक मैं आप लोगों से देश की कई सारी रिवर डिस्कस की थी यहाँ पर अब आप लोगों के सामने चाइना की रिवर है यहाँ पर ये तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पर्टिकुलर रिवर है चाइना से वेस्टर्न साइड में जो चाइना है यहाँ पर ठीक है यहाँ से निकलती हुई नजर आती है कई सारी प्रोविंस सिटी भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी एक पर्टिकुलर बुहाई यहाँ पर सी भी है नियर सिटी जो यहां पर जिसका नाम है यहाँ पर दोंग ठीक है इंदर जो है यहाँ पर बेसिकली सेंडोंग प्रोविंस के अंदर आप लोगों की चीजें नजर आएगी इसके अंदर में आप लोगों को हैंग ही वैली जिसको यहाँ पर इंग्लिश येलो रिवर वैली के नाम से भी जानते हैं और चाइना की जो बर्थ जो सिविलाइजेशन है उसका कनेक्शन भी इसके साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा याद होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था हमारी सिविलाइजेशन इंडस रिवर के इर्द गिर्द घूमती है ऐसे ही चाइना की सिविलाइजेशन इसके इर्द गिर्द घूमती है आप लोगों को नजर आती है इसलिए इसको मदर रिवर के नाम से भी यहाँ पर चाइनीज हिस्ट्री में समझा जाता है इसकी ट्रिब्यूटरी है ये तो शायद ही कोई आप लोगों से पूछेगा पर फिर भी यहां पर डाल दी है ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन न रहे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग यहां पर देख सकते हैं जिस भी आप लोगों को सुटेबल लगे उसमें आप लोग इसको समझ सकते हैं ठीक है पहले आंसर बता देता हूं फिर मैं भूल जाता हूं कल भी आप लोग के आंसर रह गए थे कई सारे बच्चों ने बोला सर आंसर रह गए ठीक है वैसे पीपीटी में आंसर डाल देता हूं यार अगर रह जाते हैं टेंशन मत लिया करो पीपीटी जब डाउनलोड करते हो तो वहां पर मिल जाते हैं ठीक है यहां पर डब्ल्यू के द्वारा यहाँ पर इसके ऊपर फोकस किया जाता है इसके बाद में फिर वो देखेंगे ठीक है पहले इनको आप लोग देखो तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा यहां पर फोकस किया जा रहा है ठीक है क्या फोकस किया जा रहा है के कि जो जो पैथोजन होते हैं जो उसकी से जो बीमारी है उसके बारे में बेसिकली बात की जा रही है लिस्ट तैयार की जाती है क्लासिफिकेशन ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके ठीक है आंसर हो गया डब्ल्यूएचओ आगे बात करते हैं चाइना से कोरोना लिखा तो चाइना ही सबसे पहले दवाई बना रहा है कि भाई साहब गोली खाओ और निकल लो अपने पॉकेट में गोली डालो और निकल लो इम्यूनिटी बनी रहेगी तो चाइना के द्वारा स्टार्ट की गई यहाँ पर अभी दवाई जो कि आसानी से आप लोग खा सकते हैं ठीक है ठीके? तो संघाई के अंदर में जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके द्वारा चीजें स्टार्ट की जा रही है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तो अच्छा है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कि कौन सी देश से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो कनाडा में रहने के लिए आते हैं तो सड्डा कनाडा हो रखा है भाई साहब ठीक है तो यहाँ पर ये बेसिकली जब डेटा निकाला गया तो कनाडा के अंदर में 8.3 मिलियन के करीब बाहर से आए हुए लोग आप लोगों को नजर आएंगे यानी कि जो कैनेडा की पॉपुलेशन का लगभग ट्वेंटी है वो बाहर के लोग हैं और माना यह जा रहा है कि 2041 तक का कनाडा के अंदर में लगभग चौतीस प्रतिशत लोग जो हैं वो बाहर के कनाडा के अंदर में बसे हुए आएंगे हुएंगे बहुत बड़ा नंबर होता है <laughs> समझ रहे हैं आप लोग इन चौतीस में से आधे लगभग अट्ठारह प्रतिशत लोग जो हैं वो भारत के हैं यहां पर तो ये आप लोग समझ सकते हैं यानी कि जो फिलहाल के टाइम पर भी आप लोग को देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा मतलब फिफ्टी जो रह रहे हैं वो इंडिया के हैं ओके नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में याद रखिएगा ये बात की जा रही है बेसिकली इंडिया के द्वारा अभी तीस साल अपने सेलिब्रेट किए गए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में तो आसियान के साथ में यहां पर हमारे तीस साल जो है वो सेलिब्रेट किए गए और अभी हम लोग कॉपरेट लेकर कॉपरेशन कर रहे हैं यहां पर आसियान के साथ में ताकि चीजों को और अच्छे लेवल पर आगे लेकर चला जा सके ठीक है तो आसियान जो है वो कब बनाया गया था ये आप लोग बताना अभी आप लोगों से इसके बारे में कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं फिर कोई आर्टिकल आएगा फिर डिस्कस करेंगे टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है ठीक है बाकी सी सेट का जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने इसका आंसर है ए एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने अच्छे से आप लोग इसको देखेगा और क्वेश्चन का आंसर निकालेगा ठीक है ये हो ही गया अब आप लोगों के सामने आएगी वो कैबलरी एक एक वोकैबलरी को अच्छे से सुनना है ये जो वर्ड है आप लोगों को न्यूजपेपर में देखने को मिल जाते हैं इससे आप लोग अच्छा स्पीकिंग भी अपनी सुधार सकते हो अगर आप लोगों के पास में वो है एनडीए सी एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट आप लोगों से एंटोनिम्स हैं वहां पर यूज कर सकते हो आंसर राइटिंग में अच्छे शब्द यूज कर सकते हो ऐसे राइटिंग में और स्पीकिंग तो है जैसे कि कोई आप लोगों को नहीं, कोई कुछ बोल रहा है तो उसको बोलना कि भाई साहब कूट देंगे यानी कि पमल ठीक है तो ये होता है पी यू डबल एम ई एल तो एक तरीके कूट देना यानी कि प्रहार कर देना ठीक है तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं तो ये शब्द यहाँ पर आप लोग के सामने है तो काफी एक तरीके से देखो जब आप लोग शब्द सुनते हो ना उसको सोचा करो कि अगर बोलना हो तो कैसे हम लोग उसको बोलेंगे ठीक है तो किसी को आसानी से डिफीट करने तो कहते हैं कूट दिया भाई साहब उसने उसको जैसे हम लोगों ने अभी बेसिकली जो मैच जीता तो कूट दिया हालांकि वो ज्यादा कूटना था नहीं <laughs> पर फिर भी दिवाली हमारी अच्छी हो गई ठीक है नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ये स्कोल्डिंग स्कोल्डिंग मतलब काफी ज्यादा गर्म यानी कि धकता हुआ कि काफी लार्ज स्केल पर जो एक तरीके से एक्सट्रीमली होट बोल देना अपोजिट क्या होगा कोल्ड हो गया फिर कूल एंड इंसान भी काफी धधक रहा है भाई साहब उस गुस्से में धधक रहा था वो ठीक है वो वाली फीलिंग तो ये वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा तो स्कॉल्डिंग बोलते हैं बेसिकली शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं कि ज्यादा मत ठीक है आप लोगों ने मूवी देखी होगी जो रिसेंटली अभी आई थी पद्मावत उसके अंदर में उसका काफुर जो रहता है वो उसका गुलाम रहता है तो सब्जुगेट किसी को अपने अधीन कर लेना ठीक है गुलाम बनाना भी इसको आप लोग बेसिकली बोल सकते हैं ठीक है इसका अपोजिट क्या होगा उसको रिलीज कर देना तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं तो यानी कि सब्जुगेट करना किसी को अपने कंट्रोल में रखना तो ये वाला शब्द आप लोग वहां पर देखने को मिलेगा नॉर्मली न्यूज़पेपर के अंदर भी नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बैक स्टॉप यानी कि एक तरीके की सुरक्षा और एक तरीके से इमरजेंसी में नहीं तो कोई सुरक्षा प्रोवाइड कराना तो एक वो बोल सकते हैं सेफ या कोई गलत तरीके से कुछ घटना होनी है वहां से अपने आप को बचा लेना तो ये आप लोगों को बैक स्टॉप यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है तो काफी इंपॉर्टेंट है शब्द आप लोगों को अच्छा है इसको यूज करिएगा एक सेंटेंस फॉर्म करने में नेक्स्ट जो वर्ड है ये तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा अगर आप लोग थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह देखते हैं ये स्वाद यानी कि लपेटना ठीक है एक तरीके से पर तो वो शब्द हाँ कर सकते हैं एटलीस्ट एक सेंटेंस फॉर्म जरूर करिएगा पांच नहीं कर पा रहे और पांच से ज्यादा भी कर सकते हैं तो एंटोनिम्स भी आप लोग के सामने पार्टिसिपेट जरूर करिएगा ठीक है और जोश ठंडा तो नहीं हुआ हाउस जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए जोश ठंडा नहीं होना चाहिए और आंसर में पार्टिसिपेट जरूर किया करो शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सैरगे साहू जो कि यहाँ पर रसिए के डिफेंस मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे हमारे देश के विजिट पर थे जिनके बारे में पूछा गया था तो अच्छे से इनके द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया तो ये देख लिया करो और अच्छे से आप लोग आंसर दिया करो और जिंदगी में ना यार हमेशा अपने टारगेट को लेकर जो है थोड़ा सा सीरियस रहो अगर आप लोग रियलिटी में अचीव करना चाहते हो वरना दुनिया आप लोगों के सर पर पैर रखकर आगे निकल जाएगी अगर आप लोग सीरियस नहीं रहोगे तो अपनी जिंदगी में अपनी चीजों के लिए सीरियस रहना सीखो तभी प्रोडक्टिव रिजल्ट भी आप लोगों तो को आते हुए नजर आएंगे ठीक है तो लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो अपना ध्यान रखो और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी और आंसर राइटिंग के लिए जो भी आप लोगों को आर्टिकल दिए जाते हैं उसमें भी जरूर पार्टिसिपेट करेगा आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं तब तक अपना ध्यान रखिए बड़ों को नमस्ते छोटों को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करा मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद